हेलो, मैं हूँ ज्योतिका। वेलकम टू एक्सेलिंग साइकोलॉजी डॉट कॉम। हम BPCC 133 का करिकुलम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट को हम पूरी तरह देख चुके हैं। अब फ्रॉम दिस यूनिट ऑनवर्ड्स, यूनिट टू ऑनवर्ड्स, हम देखते हैं स्पेसिफिक तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन से हैं। फर्स्ट यूनिट में हम देख चुके हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है और कैसे उनकी डायग्नोसिस की जाती है। पूरा डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो है उसे भी हमने देखा है। असेसमेंट कैसे की जाती है ये भी हमने देखा है। तो अब हम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखेंगे। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्या सिर्फ इतना जानना कि पेशेंट जो आपके पास आया है उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्या ये जानना काफ़ी है आपके लिए? ऑफ कोर्स नहीं। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाए और आप कहे कि आपको बीमारी है, तो सबसे पहले डॉक्टर जानेगा कि आपको कौन सी बीमारी है, फिर ही वो आपका इलाज सही से कर सकता है। हर बीमारी का एक ही इलाज तो नहीं है। इसी तरह से जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उन्हें सबसे पहले जानना होता है आपको कौन से तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पहचान पाए कि पेशेंट जो हमारे पास आया है एग्जैक्टली कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसे है, फिर ही हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं जो हमारा DSM-5 है, आज का जो वर्जन है ऑफ द मैनुअल जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं डिसाइड करने के लिए कि उनके पेशेंट्स को कौन सा डिसऑर्डर है। उसमें 22 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स है, यानी 22 तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पहचाना गया है। और जब हम कहते हैं 22 तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हमारा मतलब है हर तरह का जो डिसऑर्डर है वो एक मोटा कैटेगरी, एक ब्रॉड कैटेगरी है, एक मोटे प्रकार का डिसऑर्डर है। उसके अंदर, अंडर दैट, और तरह के सब टाइप्स होते हैं। उसके अंडर अलग टाइप के सब टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एक ब्रॉड कैटेगरी है। उसके अंदर भी ऐसे अलग अलग लक्षण है बिटवीन डिसऑर्डर जिससे फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं ये डिसऑर्डर्स। तो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप ना सिर्फ पहचानेंगे कि ब्रॉड कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर पेशेंट को कौन सा है, लेकिन स्पेसिफिकली उसके अंडर भी उसे कौन सा डिसऑर्डर है ये भी आपको पहचानना है, तभी आप सही तरीके से उसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इन चैप्टर्स में जो अब शुरू हो रहे हैं फ्रॉम यूनिट 2, हम ब्रॉड कैटेगरी को भी समझेंगे, उसके अंडर भी डिसऑर्डर्स को देखेंगे, सब टाइप्स जो है, और ये जानेंगे इनमें क्या कॉमन है जिसके वजह से इन्हें साथ में क्लासिफाई किया गया है और क्या डिफरेंट है इनमें जिनकी वजह से ये एक दूसरे से अलग भी है। ओके, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस यूनिट। पहले एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ही क्यों, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स से हम क्यों शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर्स हैं बहुत कॉमन है। आप देखेंगे इस चैप्टर में काफ़ी लोग इनसे सफ़र करते हैं, नंबर साइजेबल पॉपुलेशन सफ़र्स फ्रॉम दीज डिसऑर्डर्स। और एंग्जाइटी जो है, भले ही हम सभी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर ना हुआ हो, लेकिन एंग्जाइटी का अनुभव हम सभी को हुआ है, इसलिए हम इजीली समझ सकते हैं काफ़ी लोगों को ये डिसऑर्डर की प्रॉब्लम क्यों है। प्लस आज की जो दुनिया है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, ये तो हम सभी समझते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स जो है बढ़ते ही जा रहे हैं विद टाइम, तो ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाए आगे, तो बहुत सारे जो आपके पेशेंट्स आएंगे उनमें से बहुत सारों को ये वाले डिसऑर्डर्स होने वाले हैं, तो आपको अच्छी पहचान, अच्छी समझ होनी चाहिए इन डिसऑर्डर्स की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। ये यूनिट 2 में बांटा गया है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की जो ब्रॉड कैटेगरी है उसके अंडर काफ़ी टाइप के एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है जो एक यूनिट में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे डिवाइड कर दिया गया है टू कीप इट सिंपलर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एंग्जाइटी क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिसऑर्डर्स इसी पर आधारित है। एंग्जाइटी जो है, रफली अगर हम कहें तो चिंता, एज सच वरी इज ऑल्सो चिंता, लेकिन एंग्जाइटी जो है उसका मेन फीचर है चिंता। तो जब हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है हम कैसा महसूस करते हैं, आप सोचिए। जब आपको बहुत चिंता होती है आपकी क्या स्थिति बनती है, आपकी मनोस्थिति क्या बनती है, आपकी शारीरिक स्थिति क्या बनती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एंग्जाइटी अनुभव करते हैं, कैसी सिचुएशंस में, कैसी परिस्थितियों में, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं अगर आपको एग्ज़ाम देना है,
आपको जॉब करनी है, इंटरव्यू देना है जॉब के लिए, आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं जब आप ऑलरेडी लेट है, या आपकी ट्रेन बहुत स्लो चल रही है, या आपको कोई डेडलाइन दिया हुआ है, जैसे आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपको डेडलाइन दिया हुआ है और आपका काम अभी तक हुआ नहीं है, तो जैसे जैसे असाइनमेंट नज़दीक आता है आपको एंग्जाइटी का अनुभव होने लगता है, आपको वो चिंता होने लगती है। कैसा आप महसूस करते हैं? मन से आपको बहुत बुरे विचार आने लगते हैं, क्या होगा क्या होगा, मैं पहुंचूंगा या नहीं, मुझसे होगा या नहीं, आप भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और नेगेटिव सोचते रहते हैं, मुझसे तो नहीं होगा, ये परिस्थिति तो मेरे हाथ के बाहर जा चुकी है, ये परिस्थिति बहुत कठिन है, ऐसे बुरे बुरे ख्याल आपको आते रहते हैं। महसूस आप कैसा करते हैं? भावनाएं कैसी आती है आपको? दुखी हो जाते हैं, कभी गुस्सा भी अक्सर आता है जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, बहुत स्लो चल रही है, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? गुस्सा भी आता है कि कैसे चलाते हैं ट्रेन, समझते नहीं हैं हम देर से पहुंच रहे हैं, दुखी भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, तो ऐसी भावनाएं आती हैं। शारीरिक रूप पे कैसा महसूस करते हैं? रेस्टलेस टाइप महसूस करते हैं, आराम से बैठ नहीं पाते, है ना, आप ऐसे लगते बॉडी अभी हम उछल के खड़े हो जाए, ऐसे एनर्जी टाइप आ जाते हैं, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी आता है, अनकंफर्टेबल, रेस्टलेस, अनईजी टाइप की फीलिंग आती है। तो ये एंजाइटी का अनुभव हम सब कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया है, डे टू डे सिचुएशंस में बहुत कॉमन बात है, मोस्ट ऑफ द डेज आपको ऐसे अनुभव होते ही है, लेट होना, कोई सामने वाला आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आपकी डेडलाइंस आ रही है, ये तो आजकल के जीवन में बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। लेकिन ये जो एंजाइटी का हमें अनुभव होता है, ये कैसा होता है? ये जब सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, परिस्थिति ख़त्म हो जाती है, जैसे मेरी ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी तो मैं काम पर पहुंच नहीं पाई, लेकिन जैसे ही मैं काम पर पहुंचती हूँ फिर क्या होता है, फिर मेरी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, राइट? तो परिस्थिति ख़त्म तो एंजाइटी चिंता भी ख़त्म हो जाती है, उसके साथ वो जो बुरा अनुभव है वो ख़त्म हो जाता है, मैं अपने काम पर फोकस करने लगती हूँ या अपना एंजॉय करने लगती हूँ बाकी लोगों के साथ। तो ये जो है हम कह सकते हैं रोज़मर्रा में होता है हमारे साथ एंजाइटी, लेकिन रहती नहीं है, आती है और जाती है, किसी परिस्थिति के साथ आती है, वो परिस्थिति ख़त्म होने पे वो चली जाती है। हम ये नहीं कह रहे इससे हम प्रभावित नहीं होते, हम होते हैं, हमारा माइंड जो है वो अफेक्टेड होता है, अगर रोज़ कोई बुरा अनुभव हमें होगा तो हमारा माइंड अफेक्टेड होगा, और इसलिए कहते हैं कि हम सीखें, मेडिटेट करें, मन को शांत रखना सीखें, ऐसे रिएक्ट ना करें हर एक परिस्थिति में, ये आपने सीखा होगा। लेकिन इस समय हम बात करें एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, तो इसलिए हमें ये नहीं जानने कि हमें क्या होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एंजाइटी का अनुभव करके, वो काउंसलिंग का विषय हो जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जब हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तब हमें ये समझना है कि जो एंजाइटी हम महसूस करते किसी परिस्थिति में, आप इमेजिन कीजिए अगर वही एंजाइटी से आप कभी बाहर ही ना आ पाए, परिस्थिति ख़त्म हो जाए लेकिन आपकी एंजाइटी ख़त्म ना हो, परिस्थिति हो गई तो भी आपके बॉडी में वही रेस्टलेसनेस है, आपके माइंड में वही बुरे विचार है, आपकी जो भावनाएं हैं वही नकारात्मक टाइप की भावनाएं आपके अंदर चल रही है। ऐसा होता है एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स के साथ, उनका जो एंजाइटी का अनुभव है वो बहुत लंबे काल तक चलता है, परिस्थितियाँ ख़त्म होने पर भी वो जाता नहीं है, और बहुत ही इंटेंसली वो एंजाइटी को महसूस करते हैं। जैसे कि हमारे विचार जो है जब हम एंजाइटी में होते हैं बुरे होते हैं, लेकिन उतने बुरे नहीं होते जितने एक एंजाइटी पेशेंट के होते हैं, हमारी भावनाएं नकारात्मक होती है लेकिन उतनी नकारात्मक और उतना हमें नहीं सताती है जितना एक एंजाइटी पेशेंट की करती है। हमारी जो शारीरिक स्थिति है बहुत बुरी होती है, रेस्टलेस होते हैं, लेकिन इतनी बुरी नहीं होती कि हम हिल ही ना पाए या हमारे कामों में अड़चन आ जाए जैसे एक एंजाइटी पेशेंट की होती है। तो यहाँ पे एंजाइटी का जो एग्जांपल दिया गया है वो सिर्फ आपको कनेक्ट करवाने के लिए कि देखिए जो आप रोज़ अनुभव करते हैं वही ये पेशेंट्स अनुभव करते हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं उनके साथ और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके ये अनुभव सारा टाइम चलते, ऑलमोस्ट सारा टाइम आपको ऐसे अनुभव होते, तो आपकी स्थिति कैसी हो जाती,
वही स्थिति हो जाती है इन एंजाइटी पेशेंट्स की। तो इंट्रोडक्शन में और क्या बताया गया है कि ये जो है नाम ही है एंजाइटी डिसऑर्डर्स, तो ऑब्वियसली जितने भी हम सब टाइप के डिसऑर्डर्स इस चैप्टर में देखने वाले हैं उन सब में ये फीचर तो है ही, और प्रिंसिपल या सबसे बड़ा फीचर है कि पर्सन को एंजाइटी है। तो ये हमें सबसे अच्छी तरह समझना है इंट्रो में, और बाकी बता रहे हैं कि बहुत तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं जो हम एक एक करके देखेंगे ही कि इनमें क्या अंतर है, क्या सामान्यता है। सबसे पहले लेकिन बिफोर वी गेट इनटू के कौन से एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, और थोड़ी अच्छी क्लैरिटी हमें लेने की ज़रूरत है कि एंजाइटी क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और कम कंफ्यूज कर देते हैं कि एंजाइटी में और इन एक्सपीरियंसेस में क्या अंतर है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी क्लैरिटी कर लेते हैं। एंजाइटी जो है उसके साथ अक्सर हम एक वर्ड कंफ्यूज करते हैं फियर, और एक वर्ड कंफ्यूज करते हैं पैनिक। तो इन तीनों के बीच में क्या अंतर है वो हमें यहाँ पे समझा रहे हैं इन दिस सेक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन एंजाइटी फियर एंड पैनिक। तो सबसे पहले फियर यानी कि डर, और एंजाइटी जो मैंने रफली आपको बताया चिंता है, उसमें क्या अंतर है फियर और एंजाइटी में, पहले ये हमें समझना है। फियर जो है डर और एंजाइटी, सबसे बड़ा अंतर है कि फियर जब हमें होता है तो एक्चुअली उसी समय हमारे सामने कोई बहुत बड़ा खतरा होता है तो जो हम रिस्पॉन्स देते हैं उसे हम डर या फियर कहते हैं। लेकिन एंजाइटी जो है ये तब होती है जब हमारे सामने उसी समय प्रेजेंट में कोई बुरी स्थिति, कोई खतरा नहीं है, तो भी हमें डर से सिमिलर टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं हमारे अंदर। जो डर जैसे ही कुछ भावनाएं, कुछ विचार, कुछ शारीरिक अनुभव हमें हो रहे हैं, लेकिन उस समय खतरा नहीं है। सो द डिफरेंस इज कि डेंजर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, डेंजर रियल है या इमेजिनरी है। एग्जांपल लेते हैं तो इजी हो जाएगा। अगर किसी के सामने एक शेर खड़ा है या कोई सांप खड़ा है, ठीक है, तो उसको जो अनुभव होगा उसे हम डर कहेंगे, क्योंकि उसी समय उसके सामने एक जानलेवा खतरा खड़ा है और बहुत हाई चांस है, ऑलमोस्ट श्योर है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, राइट। बहुत डिफ़िकल्ट है उस स्थिति से निकलना उसके लिए, और सुरक्षित निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो प्रेजेंट में है, उसी समय उसके सामने डेंजर है और रियल है, वो इमेजिन नहीं कर रहा, वाकई उसके सामने बहुत बड़ा खतरा है। अब उसे कैसा अनुभव होगा आप ही सोचिए, कोई सांप आपके आगे आ गया, या आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई ट्रक तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, या आप चल रहे हैं, कोई क्रिमिनल है वो आपके गन दिखा रहा है, आपको कोई धमकी दे रहा है कि आपको मार देगा। हम में से ज़्यादातर ऐसी परिस्थितियों में नहीं रहे होंगे, कुछ रहे भी होंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आप उस स्थिति में क्या रिएक्शन होगा आपको। वो रिएक्शन हम इस डायग्राम में देखते हैं कि फियर जब होता है, जब रियल प्रेजेंट डेंजर हमारे सामने होता है, तब हमारा क्या रिएक्शन होता है। कॉग्निटिव, हमेशा याद रखिए साइकोलॉजी में हमें बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव लेना है, तो हम ऑलराउंडेड व्यू लेंगे कि हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है किसी सिचुएशन। कॉग्निटिवली हमारी कैसे विचार चलते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आई एम अफ्रेड। जब आप डर में होते हैं, जब आपके सामने जानलेवा खतरा आ चुका है, तब आपके माइंड में सिर्फ एक ही विचार होता है, मैं डर चुका हूँ। क्या उस समय आप इधर उधर की बातें सोचेंगे? तो उस समय क्या आप सोचेंगे कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसा दिख रहा होगा बाकियों को, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या उस समय जब वो खतरा आपके सामने, क्या ऐसे विचार आएंगे आपके माइंड में? आपके माइंड में सिर्फ आएगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। यानी कि एक वे से हम समझ सकते हैं कि बाकी सोच विचार जो है वो टोटली बंद हो जाते हैं, हमारे सोच विचार सिर्फ इस पे फोकस्ड हो जाते हैं कि हम इस समय बहुत खतरे में हैं। और ये विचार ज़रूर हो सकते हैं कि मुझे भागना है यहाँ से। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है लोगों की, आपने सुना भी होगा जिनके साथ बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, कोई बुरे, कोई क्रिमिनल ने उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ कोई मर्डर्स हुए हैं उनके अराउंड, उन पे भी गन तानी गई थी, ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ, तो वो आपको बताएंगे कि हम उस समय और कुछ नहीं सोच पा रहे थे, हम ऐसे लगा
के सोचने की शक्ति बंद हो चुकी है और हम पूरी तरह पैरालाइज हो चुके हैं, हम फ्रीज हो चुके हैं। फ्रीज का मतलब सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड भी फ्रीज हो चुका है, कुछ विचार नहीं आ रहे। तो ये जो है ऐसी हमारी विचारधारा होती है, जब हम डर में होते हैं हम और कोई बात को सोच नहीं पाते। बॉडी में हमारा क्या होता है, दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है, आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे लगता है कि दिल मुंह में आ गया या दिल बाहर आ जाएगा धड़क धड़क के, और बहुत हैवी ब्रीदिंग होती है, स्वेटिंग होती है, सब कुछ एक्सट्रीम में चला जाता है, बहुत ही बुरा रिएक्शन निकलता है। कुछ लोग आप देखेंगे उनके पैर भी कांप सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो पर्सन पैर कांपेंगे मतलब वो भागेगा या नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो फ्रीज़ हो जाएगा अपनी जगह में। लेकिन ये जो है, जो हम ऑटोनॉमिक प्रोसेसेस कहते हैं या इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस है बॉडी की, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, स्वेटिंग, ये सब बहुत एक्सट्रीम में जाती है, जो हमारे कंट्रोल में वैसी भी नहीं है, वो बहुत ओवरड्राइव में चली जाती है। एक्चुअली क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी रेडी हो रही होती है या तो उस डर को मतलब फेस करने की, या तो उस परिस्थिति से भाग जाने की। जैसे कि अगर आपके ऊपर ट्रक आने वाला है, आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ भाग सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर कोई गन लेके खड़ा है आपके सामने, या तो आप उससे लड़ लें या तो आप भाग जाएं। तो आपकी बॉडी आपको तैयार करती है, आपको एनर्जी जनरेट करती है, ये सब करके फास्ट फास्ट ब्लड पम्प करती है, आपका जो ये है ब्रीदिंग फास्ट करती है, ताकि जो है आप फटाफट कुछ रिएक्शन दे पाए। तो बॉडी जो है, इसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा। तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी में आ जाता है जब हम डरे हुए होते हैं। हमारी बॉडी ऐसे इवॉल्व हुई है कि हम खतरे के साथ डायरेक्टली डील कर पाए। और बिहेवियरल लेवल, हमारा व्यवहार कैसा होता है उस समय, हम बाहर कौन से एक्शंस करते हैं, तो एक ही हमारा बिहेवियर होता है यहाँ पे, का स्ट्रॉन्ग अर्ज टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। मतलब गारंटी नहीं है हम एस्केप करेंगे, भाग जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आपने भी सुना होगा, लोग फ्रीज हो जाते हैं, हम सोचते अगर ट्रक इतनी तेज़ी से तुम्हारी तरफ आ रहा तो तुम साइड क्यों नहीं चले गए। लेकिन उस समय पर्सन एकदम मतलब बॉडी इतनी रेडी है टू फाइट, लेकिन वो व्यवहार जो है वो हो नहीं पाता, राइट? तो वो पर्सन जो है वहाँ पे इमोबाइल या फ्रीज हो जाता है। तो वो उसको होता है कि मुझे भागना है यहाँ से, अर्ज आती है उसको अंदर से। जैसे मैंने कहा बॉडी रेडी है, तो बॉडी सिग्नल दे रही है कि निकलो यहाँ से। अब वो निकलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, वो डिपेंड करता है पर्सन पे, लेकिन व्यवहार उसका ऐसा हो जाता है। तो डर का अनुभव अगर हम समराइज करें, डर का अनुभव क्या है, रियल डेंजर जब है पर्सन के सामने, उसकी बॉडी तैयार हो जाती है उसको वहाँ से भगाने के, और उसकी सोच विचार ज़्यादा उस समय काम नहीं करती, मोर बॉडी जो है इन्वॉल्व होती है हमें बचाने के लिए उस सिचुएशन से। तो उस अनुभव को हम डर कहते हैं। अब ये एंग्जाइटी से अलग कैसे, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न एंग्जाइटी है, डर हमारा कंसर्न नहीं है। डर एक सर्वाइवल वाला इमोशन है। तो अगर आप इमोशन साइकोलॉजी कहीं पे पढ़े, इमोशनल इंटेलिजेंस और समथिंग, वहाँ पे डर आप डिटेल में पढ़ेंगे। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरेस्ट है एंग्जाइटी, तो एंग्जाइटी को आपको श्योर होना है कि वो डर से कैसे अलग है। तो अगला डायग्राम जो है फिगर 2.2, उसमें हम देखते हैं कि एंग्जाइटी का अनुभव क्या है, और हमें समझ में आ जाएगा कि ये डर से कैसे अलग है। जब किसी को एंग्जाइटी होती है, पहले ही हमने देखा कि फ्यूचर सिचुएशन के लिए होती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको जो है अपनी क्लास के सामने एक प्रेजेंटेशन देना है, उसके ऊपर आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो टीचर ने आपको कोई टॉपिक्स दिए हैं, आपको तैयार करके आना था अपना प्रेजेंटेशन, और आपको सबके सामने वो प्रेजेंट करना था। अब आपको जैसे बाकी स्टूडेंट्स अपना करते जा रहे हैं प्रेजेंटेशन, आपकी टर्न आने वाली है, आपका रोल नंबर बुलाया जाने वाला है, आपको एंग्जाइटी का अनुभव हो रहा है, आपको चिंता हो रही है, आप सोच रहे हैं कि मैं कैसा परफॉर्म करूँगा, उसके अराउंड आपकी एंग्जाइटी है। मतलब इस समय जब आपको वो अनुभव हो रहे हैं, तभी आप प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, आप फ्यूचर में करने वाले हैं, लेकिन जो पूरा अनुभव है डर जैसा अनुभव, वो आपको अभी हो रहा है। तो सिचुएशन फ्यूचर में है, आपके रिस्पॉन्स अभी है। दूसरी बात है, सिचुएशन होगी ही जिसके लिए आप डर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, इट माइट बी और इट माइट नॉट बी। तो रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फियर में डेफिनेटली रियल सिचुएशन होता है। इस केस में या तो रियल सिचुएशन है
या मोस्ट लाइकली आपकी इमेजिनरी सिचुएशन है। आपने सुना भी होगा कि हम 90% जो भी सोचते हैं वो होता तक नहीं है, राइट? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम, क्योंकि बहुत आउट ऑफ प्रपोर्शन चीज़ों को सोचते, बहुत बड़ा चढ़ा के सोचते, तो रियल में वो होता नहीं है। जैसे कि आप ही याद कीजिए, कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कोई आपको प्रेजेंटेशन देनी है या इंटरव्यू देना है या किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है, तब आपने बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस की होगी। तब आपने क्या इमेजिन किया, क्या इमेजिनेशन की वजह से आपको वो एंग्जाइटी का अनुभव हुआ? आपने इमेजिन किया होगा कि शायद मैं पूरे क्लास के सामने खड़ा हो जाऊंगा प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन मेरे मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल पाएगी। शायद मैं जैसे ही बोलना शुरू करूंगा सब हंसेंगे मेरे ऊपर। शायद मैं जैसे ही बोलना शुरू करूंगा टीचर मुझे डांटने लगे कि ये कैसे बोल रहे हो। तो ऐसे टाइप के विचार होते हैं हमारे। अब ज़रूरी नहीं है इनमें से कुछ भी होगा कि हम फ्रीज होंगे या लोग हम पे हंसेंगे या टीचर हमें चिल्लाएगी, नॉट नेसेसरी। लेकिन हमारे इमेजिनेशन में ये बात है और उस इमेजिनेशन के रिस्पॉन्स में हमारी वो पूरी अनुभव आ रही है एंग्जाइटी वाली। तो यहाँ पे ना तो प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, ना ही रियली कुछ हो रहा है, हमारे माइंड में सब कुछ है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, एवरीथिंग टू डू विद द माइंड। तो हमारा माइंड जो भी क्रिएट कर रहा है, जो भी इमेजिन कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स पे हमारा एक टोटल विचार, बिहेवियर, बॉडी इंक्लूडेड एक रिस्पॉन्स आ रहा है जिसका नाम हम दे रहे हैं एंग्जाइटी। तो यहीं पे मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा बिटवीन फियर एंड एंग्जाइटी, कि सिचुएशन क्या है जिसके लिए पर्सन एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दे रहा है। सबसे पहले हमें वो देखना है। तो अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके सामने पेशेंट आया है, उसे इस तरह के लक्षण हैं, सबसे पहले आप देखेंगे क्या रियल फियर है उसे किसी बात का। रियल में उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, डेंजर है उसकी लाइफ को, इसलिए उसके ऐसे अनुभव हो रहे हैं, या ये उसकी इमेजिन्ड और फ्यूचरिस्टिक कुछ है उसके माइंड में जिसके लिए वो ऐसे रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, वाकई उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, बार बार उसे धमकी भरे कॉल्स दिए जा रहे हैं, और फिर वो ऐसे रेस्टलेस टाइप का बिहेवियर आपको दिखा रहा है, तो आप समझेंगे उसे फियर है, उसे कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये सबका रिस्पॉन्स होगा। अगर उन्हें जानलेवा थ्रेट्स आ रही है तो वो ऐसा ही रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन अगर ऐसे इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए वो ऐसे रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी है। फिर आप आगे और क्राइटेरियन देखेंगे DSM के हिसाब से, अगर वो मीट होते तो आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। तो एंग्जाइटी में अब और डिटेल में हम देखते हैं फियर से कैसे अलग होता है। सबसे पहले कॉग्निटिवली क्या होता है, माइंड में क्या चलता है। फियर में हमने देखा विचार कैसे होते, सिर्फ एक तरह के कि मुझे डर लग, उसके अलावा सोचने समझने की शक्ति बंद हो जाती है उस टाइम के लिए। लेकिन एंग्जाइटी के दौरान इंसान काफ़ी कुछ सोचता है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बता रहे कॉग्निटिव लेवल, इसे सब्जेक्टिव लेवल भी कहा जा रहा है, लाइक पर्सन लेवल पे क्या हो रहा है, नेगेटिव मूड, एक जो क्वालिटी आ जाती है विचारों की वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव। जब आप एंग्जाइटी में होते हैं, क्या आप कुछ भी पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, क्या आप सोचते हैं मैं काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगा, टीचर को बहुत पसंद आएंगी, मेरी फ्रेंड्स भी मेरी तारीफ़ करेंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे होते तो आपको एंग्जाइटी नहीं होती, तो आपके सारे विचारों की क्वालिटी जो है नेगेटिव हो चुकी होती है। अब आपको फ्यूचर डेंजर या थ्रेट की पॉसिबिलिटीज़ आप सोचते रहते हैं। अगर आप देखने जाए, अगर आप बहुत बुरा प्रेजेंटेशन दे, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर डांटेगी, फ्रेंड्स आपके हंसेंगे, आपको फिर से मौका नहीं देंगे शायद प्रेजेंट करने का, वर्स्ट टू वर्स्ट, राइट? इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपको ज़ीरो दे देंगे प्रेजेंटेशन में। इससे क्या आपकी जान को खतरा है ऐसा होने से, तो डेंजर तो है नहीं। मोस्ट ऑफ द एंग्जाइटी सिचुएशंस है उसमें फ्यूचर में कोई ऐसा डेंजर नहीं होता, लाइफ डेंजर नहीं होता, ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट में आपको ये बात रियलाइज़ करवानी होती है पेशेंट को। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन पेशेंट ऐसे ही बिहेव करता है कि बहुत सीरियस डेंजर है उसके सामने, वो सोचता ही नहीं इस हद तक ये समझने के लिए कि वो जो इमेजिन कर रहा है वो डेंजरस नहीं है। तो डेंजर नहीं है लेकिन थ्रेट है। थ्रेट क्या है कि अगर मैं बुरी तरह परफॉर्म करूँगा मेरी हंसी उड़ेगी, मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी, टीचर
की आईज में मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरे मार्क्स चले जाएंगे जो मुझे मैटर करता है, ये सब थ्रेट है, जानलेवा नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम नहीं चाहते, अनडिज़ायरेबल हम नहीं चाहते हमारे साथ हो। तो हमारे जब एंग्जाइटी महसूस होते हैं वो सारे विचार उस थ्रेट पे फोकस्ड होते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी हम सोचते ही नहीं कि वो थ्रेट ना हो, ऐसी अच्छी पॉसिबिलिटी हम नहीं सोचते। सेल्फ प्रीऑक्यूपेशन जब किसी को एंग्जाइटी का अनुभव हो रहा होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है। जैसे यही एग्जाम्पल अच्छा है, हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, सपोजिंग 10 मिनट बाद, जब से प्रेजेंटेशन शुरू हुई है, चलिए 20 मिनट बाद हमारी टर्न आने वाली है। उस 20 मिनट के दौरान क्या हो रहा है, बाकी के बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए आइडियल, जब बाकी के बच्चे प्रेजेंट करें हमें उनके प्रेजेंटेशन सुनने चाहिए, हमें नोट करना चाहिए, अगर टीचर कोई फीडबैक दे रही है उनको तो हम भी हमारा प्रेजेंटेशन उस फीडबैक के हिसाब से और अच्छा कर पाएंगे, ये सब हमारे माइंड में चलना चाहिए। उसके बदले हम क्या कर रहे होते हैं उस दौरान, मेरा प्रेजेंटेशन कैसे जाएगा, ये लड़की कितना अच्छा बोल रही है, मैं भी बोल पाऊँगी या नहीं, टीचर को अच्छा लगेगा कि नहीं, सेल्फ प्रीऑक्यूपेशन। सिर्फ और सिर्फ जब हम एंग्जाइटी में होते हैं हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। ये पॉइंट पे भी आप ध्यान दें, ये भी आपको अपने पेशेंट को रियलाइज़ करवानी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपना कितना नुकसान कर देते हैं, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे सामने, कितना कुछ सीखने की, बाकी स्टूडेंट्स को देख के हम सीख सकते हैं उनसे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमारी चली जाती है। तो जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं हम काफ़ी बार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवाते हैं पेशेंट से, कि जब तुम्हें एंग्जाइटी होती है क्या अच्छी बातें हैं उसकी, क्या बुरी बातें हैं, तो ये एक बुरी बात है, आप उसे रियलाइज़ करवाइए कि वो ये कॉस्ट पे करता है, कि ना तो वो जो इन्फॉर्मेशन उसके लिए यूज़फुल होती है ना वो ले पाता है, ना वो सिचुएशन को इन्जॉय कर पाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है उस समय। तो एक इस तरह की कॉग्निटिव स्टाइल बन जाती है जब हमें एंग्जाइटी होता है। इसके अलावा हम रियलिस्टिकली नहीं सोच पाते, जैसे मैं हमने अभी अभी देखा पर्सन जो है बहुत डेंजर इमेजिन करता है, वो आउट ऑफ प्रपोर्शन बढ़ा चढ़ा के सोचता है, मतलब सपोजिंग पर्सन अच्छा नहीं है बोलने में, प्रेजेंटेशन उससे अच्छे से नहीं होती, लेकिन ऐसा सोचना कि मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाऊँगा या मैं ऐसी बात करूँगा कि लोग मुझ पर हंसेंगे, ये तो रियलिस्टिक बात नहीं है। अगर हम अच्छे से बोल नहीं सकते, शायद हम कम बोलेंगे, शायद हम हेजिटेट करेंगे, फंबल होंगे, बीच में एक दो पॉइंट भूल भी जाएंगे, लेकिन एकदम ही नहीं बोल पाएंगे, ये तो अनरियलिस्टिक विचार हो गया। या सब हम पे हंसेंगे, कोई अगर कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग करता है तो लोग हंसते हैं, नॉट टू मेक फन, कभी कभी वो एक रिएक्शन होता है, लेकिन अगर कोई थोड़ा उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा तो लोग नहीं हंसते उसके ऊपर, वो ठीक है बोर्ड हो जाएंगे, शायद इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन तो हमारे जो है अनरियलिस्टिक विचार होते हैं, हम ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि एक्चुअली क्या होने वाले, हमारे जो विचार है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं रियल में क्या होने वाला है, और कंट्रोल नहीं कर पाते हम कि फ्यूचर में क्या होगा। आपने ये भी सुना होगा कभी कभी हम चिंता कर करके एक्चुअली वो सिचुएशन ले आते हैं जो होने नहीं वाली थी लेकिन जिसके बारे में हम चिंता कर रहे थे, तो बार बार ये सोच सोच के मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, वाकई हम कुछ नहीं बोल पाते, जबकि ऐसा होने नहीं वाला था, हमारे विचारों की वजह से अब ऐसा हो गया है। तो हम एक्चुअली क्या है, अगर हमें लग रहा है हम अच्छे प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए टू कंट्रोल दिस इन द फ्यूचर, हमें काम रहना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, बाकी उसको देख के सीखना चाहिए कि हम भी वैसे बोलने की कोशिश कर सकते, तो हम सही से कंट्रोल कर पाएंगे जो आउटकम होने वाला है। इसके बदले अगर हम बुरे बुरे विचार करते रहते हैं तो हम कंट्रोल करने के बदले उसे और आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं सिचुएशन को। तो जब हम एंग्जाइटी के स्टेट में होते हैं ना ही हम ठीक से देख पाते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ना ही उसे सही से कंट्रोल कर पाते हैं। अगर हमारी प्रेजेंटेशन 70% अच्छी होने वाली थी, अब वो शायद 30-40% ही अच्छी हो पाएगी, क्योंकि हमने उसे 70-80 पे ले जाने के बदले हम उसे 70-30-40 पे ले आए हैं। तो ये सारा माइंड जो है बहुत बिजी है एंग्जाइटी के दौरान, बहुत गलत विचार चल रहे हैं माइंड में, हम अपने ही बारे में सोचते जा रहे हैं, हर तरह की बुरी पॉसिबिलिटी सोचते जा रहे हैं, जबकि डर में कुछ नहीं आता है माइंड में,
सिर्फ और सिर्फ वो डेंजर होता है हमारे सामने, और हमारा माइंड कहता है डर लग रहा है, जिससे वो बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम तैयार हो जाओ यहाँ से भागने के लिए। लेकिन एंग्जाइटी के दौरान माइंड तो काफ़ी कुछ कर रहा होता है, तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजिकली क्या होता है, बॉडी में क्या होता है जब हमें एंग्जाइटी होती है। फियर में हमने देखा हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करती है ताकि हम या तो सिचुएशन का सामना कर पाए या भाग पाए। अब एंग्जाइटी में क्या होता है, एंग्जाइटी में क्रॉनिक टेंशन एंड ओवर अराउजल। क्रॉनिक टेंशन मतलब लगातार तनाव बना रहता है। जैसे कि अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, ज़्यादातर स्टूडेंट्स में हम देखते हैं जिस दिन प्रेजेंटेशन अनाउंस होता है उन लोग घबराना शुरू कर देते हैं, और जब तक प्रेजेंटेशन नहीं होता तब तक घबराते ही रहते हैं। यानी कि बढ़ता है, घबराहट बढ़ती है जैसे जैसे प्रेजेंटेशन करीब आती है, लेकिन शुरू तभी से हो जाती है जब से वो प्रेजेंटेशन का नाम सुनते हैं, और फिर जब वो ख़त्म होती है प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल राहत और रिलीफ उन्हें अनुभव होता है। बुरी जाती है तो भी राहत का एक सेंस आता है, मतलब इतना उन्होंने बिल्डअप कर लिया होता है अपने अंदर कि वहाँ उस पॉइंट पे जाके वो फिनिश होता है। तो इसे हम कहेंगे क्रॉनिक टेंशन या लगातार होने वाला तनाव। एक ही बात को लेकर वो तनाव चलता ही जाता है और टेंशन की स्थिति आप जाते हैं, बॉडी बहुत टाइट फील करती है, अगेन रेस्टलेस टाइप की हो जाती है, चैन नहीं मिलता, वो टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है बॉडी में। ओवर अराउजल जैसा हमने फियर में देखा, उस इंटेंसिटी का नहीं लेकिन एक्स्ट्रा काम होना बॉडी में, दिल ज़्यादा धड़क रहा है, ज़्यादा हार्ट रेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, स्वेटिंग होना, ये सब जो है ओवर अराउजल, ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी अपना काम करती रहती है। अगेन वो तनाव को, टेंशन को कंट्रोल करने की कोशिश में ये सब करती है, हमें एनर्जाइज करने की कोशिश करती है, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है, इसलिए ऐसे रिस्पॉन्स आती है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोले, पूरे तरह का फुल फ्लेजेड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स नहीं आता जैसे फियर में आता है, लेकिन वो फाइट और फ्लाइट के जैसे हम वर्ज पे आ जाते हैं, हम तैयार है उस रिस्पॉन्स में जाने के लिए, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो आप समझिए कि इंटेंसिटी का अंतर है। सपोजिंग डर के अनुभव में आप 100% तैयार है कन्फ्रंट करने को या भागने को, यहाँ पे आप सपोजिंग 70-80% तैयार है ऐसा करने को, तो उतनी इंटेंसिटी के साथ आपके अंदर वो भागने की तैयारी नहीं होगी आपकी बॉडी में, लेकिन काफ़ी हद तक होगी। अब एक बात आप नोट कीजिए, आपकी बॉडी बनी हुई है काम रहने के लिए, इसलिए आप सारा टाइम काम रहते हैं, राइट, शांत रहते हैं। अगर किसी वजह से बार बार बॉडी ऐसी स्थिति में रहेगी जैसे एंग्जाइटी में है, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हमने शुरू में ही देखा मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन इज एंग्जियस, तो अगर लगातार बॉडी ऐसी हालत में रहेगी तो कितने बुरे फिजिकल इम्पैक्ट, फिजिकल इफेक्ट्स आएंगे वो पर्सन में। बॉडी इज़ नॉट मेंट टू बी अब्यूज्ड लाइक दिस, बॉडी जो है नहीं बनी है इस तरह से ओवर काम करने के लिए। आप एक इंसान से, एक मशीन से भी आप ज़्यादा काम करवाते हैं, मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है। तो जिसकी बॉडी बार बार ऐसे ओवर काम कर रही है नॉर्मल से ज़्यादा, वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। दैट्स वाई ऑल दीज डिसऑर्डर्स आर वेरी कंसर्निंग। ओके, तो हम हल्के में लेते हैं एंग्जाइटी है, उससे डिप्रेशन है, लेकिन आप देखिए, आप हमेशा जब सिम्टम्स देखिए किस हद तक पर्सन पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा बिहेवियर या व्यावहारिक लेवल पे क्या होता है, पर्सन जो है वो पूरी कोशिश करता है सिचुएशन को अवॉइड करने का। जैसे अगर टीचर कहे लास्ट मिनट में कि ठीक है तुम प्रेजेंटेशन की तैयारी तो करके आए हो, लेकिन अब तुम्हारा मन है तो तुम प्रेजेंटेशन कर लो, वरना अपना सबमिट कर लो, जो भी तुम PPT का प्रिंट आउट लाए हो या जो भी वो सबमिट करके चले जाओ, मैं मार्क्स नहीं काटूँगा। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सबमिट करके चले जाएंगे और पूरी जो प्रेजेंटेशन की तैयारी है उसे व्यर्थ जाने देंगे, लेकिन सबमिट करके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एंग्जाइटी जो है वो फिनिश करना चाहते हैं उसको, कि और अभी हम वेट नहीं कर सकते और वो सिचुएशन में हम नहीं बैठना चाहते जहाँ हमें वेट करनी, हमारी टर्न कब आएगी। ठीक है, तो अवॉइडेंस, बचने की कोशिश करना, ये बहुत कॉमन है एंग्जाइटी में, हम इसके स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में भी देखेंगे, लेकिन वो अर्जेंसी नहीं है जो फियर में कि अभी कभी भागो। आप प्रेजेंटेशन में बैठे हैं, आपके अराउंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोलेंगे उन्हें एंग्जाइटी अनुभव हो रही है अलग लेवल्स पे, कोई थोड़ा एंग्शियस है, कोई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत रेयरली आप देखेंगे कि बच्चा उठ के भाग गया वहाँ से, क्लासरूम से।
उसकी टर्न आए, उसके पहले लिटरली वहाँ से भाग गया और निकल गया। इतना नहीं होता मगर फियर में होता है, अगर आपके सामने कोई गन वन लेके खड़ा है भाग जाएंगे उधर से। तो एंग्जाइटी में क्या अंतर हो गया फियर से, अगेन इंटेंसिटी का, इच्छा है वहाँ से भागने की, कोशिशें है निकलने की, अवॉइड करने की तो पूरी कोशिश होती है, लेकिन उस तरह से हम भागेंगे नहीं, उस सिचुएशन से एस्केप नहीं करेंगे। तो दिस डिफरेंस इज देम। तो एंग्जाइटी का अगर हम समराइज़ करें कि क्या अनुभव है, विचारधारा जो है बहुत तेज़ चलती है, बहुत गलत नेगेटिव चलती है, बहुत तरह के विचार आते हैं जो सिर्फ अपने पे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं और बाकी किसी काम पे हम फोकस नहीं कर पाते। ये माइंड ओवरड्राइव पे है, जैसे बॉडी ओवरड्राइव पे है तो बहुत थक जाएगी, ब्रेकडाउन होगी, माइंड भी ब्रेकडाउन हो जाएगा ऐसे सोच सोच के। माइंड इज़ नॉट मेंट टू थिंक सो मच। दूसरा है फिजियोलॉजिकल, उसमें समराइज करें तो हमने देखा कि अननेसेसरी काम होता रहता है शरीर में टू डील विद द स्ट्रेस दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। और फाइनली व्यवहारिक तौर पे कोशिश होती है सिचुएशन को अवॉइड, बचने की कोशिश होती है, भागने की नहीं होती लेकिन बचने की होती है। भागने की भी इच्छा होती है लेकिन वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी फियर में होती है। तो ये जो है एंग्जाइटी का, अब अगर जो हमने देखा है हम फियर से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, रियलिटी कितनी है सिचुएशन की, कितना एक्चुअल कोशिश है भागने की, कितना इमेजिनेशन में है उसका अंतर है, और कितना जो है एक्चुअली हेल्प हो रही है। जैसे फियर में बॉडी जो है अगर ओवरड्राइव में जा रही है तो वो एक्चुअली हेल्पफुल है, उसकी ज़रूरत है हमारी सर्वाइवल की, हम भागेंगे नहीं तो मर जाएंगे उस सिचुएशन में, लेकिन मर जाएंगे या कोई सीरियस इंजरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन एंग्जाइटी में ये अननेसेसरी है जो बॉडी में चल रहा है, इनफैक्ट इट इज़ मेकिंग मैटर्स वर्स। तो इसमें सर्वाइवल नहीं है, ये बुरी बात है, ये हमारे लिए ख़तरनाक है जो हमारे साथ हो रहा है, चाहे जो भी सिचुएशन हो जिसके हमें एंग्जाइटी। सपोजिंग हमारी जॉब चली गई है, जॉब मिल नहीं रही है इसलिए हमें एंग्जाइटी है, ये रिस्पॉन्स हमारी कोशिशों को और मुश्किल करने वाला है। बिकॉज जॉब चली गई है तो हमें क्या करना है, नई जॉब ढूंढनी है, उसके लिए हमें ज़रूरत है शांत रहने की ताकि अच्छी तरह हम ढूंढ पाए अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे से अच्छे इंटरव्यू दे पाए। तभी दे पाएंगे जब हम रिलैक्स्ड है, फोकस्ड है, अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे इंटरव्यू के लिए, इम्प्रेस कर पाएंगे बॉस को। लेकिन अगर ये हालत हुई है हमारी कि माइंड जो है क्लियरली सोच नहीं पा रहा है, गलत गलत ही सोचता जा रहा है, और बॉडी जो है बिल्कुल ही वीक हो रही है और बीमारी की स्टेज में जा रही है, तब हम कैसा परफॉर्मेंस देंगे, कैसी प्रिपरेशन करेंगे। तो फियर जो है वो अच्छा है, सर्वाइव करने को हेल्प करते हैं, उससे हमारी मदद होती है बचने में। लेकिन एंग्जाइटी से क्या होता है, सिचुएशन वर्स हो जाती है, हमारी जो पोटेंशियल है सिचुएशन के साथ डील करने की वो भी ख़त्म हो जाती है बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। इसलिए एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, फियर डिसऑर्डर नहीं है, फियर एक इमोशन है, ठीक है। तो हम जब वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो हमें ध्यान से वर्ड्स यूज़ करने। हम ये नहीं कहेंगे पेशेंट डरा हुआ रहता है, हम कहेंगे वो चिंता में रहता है, वो एंग्शियस रहता है और यही उसकी समस्या है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फियर एंड एंग्जाइटी। ये जो हमने कॉम्पोनेंट्स देखे, हमने वैचारिक लेवल पे, व्यावहारिक लेवल पे और शारीरिक लेवल पे जो भी देखा है, जो भी अनुभव होते हैं इंसान को, ये बोल रहे हैं ये लूजली रिलेटेड है। लूजली रिलेटेड मतलब सबके सब जो है ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट में एग्जैक्टली यही पाएंगे जो ये डायग्राम में दिया गया, कि ऐसे ही विचार होंगे, ऐसे ही व्यवहार होंगे, नॉट नेसेसरी। मतलब अगेन वो डायमेंशनल अप्रोच जो हमने लास्ट टाइम देखा था, आप इमेजिन कीजिए तीन डायमेंशन है, कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, और किसी को एंग्जाइटी हो रही, क्योंकि हमारा कंसर्न एंग्जाइटी है, किसी को एंग्जाइटी हो रहा है, हो सकता है कॉग्निटिव लेवल पे वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, फिजियोलॉजिकल पे थोड़ा कम अफेक्टेड है, बिहेवियरल पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। और दूसरा पेशेंट हो सकता है जो कॉग्निटिव और फिजियोलॉजिकल बहुत अफेक्टेड है लेकिन बिहेवियर में वो फिर भी नॉर्मल लगता है बाहर से देखो तो। तो ये जो है, हम हमेशा कहते हैं ना हर पेशेंट यूनिक है, हमारा जो काम है डॉक्टरों से भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर पेशेंट यूनिक है, ठीक है। बॉडी का जो सिस्टम है, एक बार किसी को अगर कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है तो फिर भी एक तरह के प्रिडिक्ट कर सकते कि सिस्टम ऐसे ही ब्रेकडाउन होगा, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किसी का, हर पेशेंट का माइंड और विचार और व्यवहार एक ही तरह से अफेक्टेड होंगे बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, ठीक है।
तो हमें ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे भी हमें याद दिला रहे कि ये जो तीन है हम ना एक्सपेक्ट करें कि एक ही तरह से हर पेशेंट में पाए जाएंगे, अलग अलग लेवल्स पे पाए जाएंगे कि कम ज़्यादा, किसी में कॉग्निटिव की प्रॉब्लम ज़्यादा है, किसी में व्यवहारिक की ज़्यादा है, तो हर तरह के पेशेंट हमें मिलेंगे। बस हमें पहचान हो, हम समझ पाए, हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि उसको क्या अनुभव हो रहे हैं। अब हमने फियर और एंग्जाइटी का डिफरेंस देख लिया, अब हमें पैनिक और एंग्जाइटी का डिफरेंस देखना है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में एक तरह के डिसऑर्डर्स ज़रूर है विच आर कॉल्ड पैनिक डिसऑर्डर्स, मेनली पैनिक डिसऑर्डर ही नाम दिया जाता है, एक सिंगल आप ले सकते हैं पैनिक डिसऑर्डर, तो वो एक तरह के एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन फिर भी एंग्जाइटी और पैनिक में भी अंतर है, एंग्जाइटी फीचर है पैनिक में लेकिन डिफरेंट है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे। यहाँ पे सबसे पहले पैनिक और फियर का डिफरेंस बता रहे हैं, फिर हम समझ पाएंगे कि पैनिक और एंग्जाइटी का क्या डिफरेंस है। पैनिक जो है बोल रहे फियर को काफ़ी रिजेंबल करता है, एंग्जाइटी और फियर में अब हमने काफ़ी अंतर देख लिया है जब हमने डिटेल्स में देखा। पैनिक और फियर में बोल रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है, मतलब एंग्जाइटी में जैसे फाइट और फ्लाइट का कम इंटेंसिटी है, व्यवहारिक लेवल पे कम इंटेंसिटी है, वैसा नहीं है। पैनिक जब होता है किसी को, उसका बॉडी फुल फाइट और फ्लाइट में जाता है और एक्चुअली वो भाग जाएगा। जैसे आपने कभी शायद किसी को देखा होगा जिसे पैनिक डिसऑर्डर है, तो आप सपोजिंग उसे किसी सिचुएशन में ले गए जो वो नहीं जाना चाहता, जैसे कोई आपसे ज़िद कर रहा है कि बहुत कहीं बाहर क्राउडेड जगह में उसे नहीं जाना, और आप उसको एकदम भीड़ भड़ाके वाली मार्केट में ले गए, उधर उसे आ गया पैनिक अटैक। ये सब हम आगे देखेंगे डिटेल में, लेकिन उसे आ गया पैनिक अटैक, तो एक्चुअली वहाँ से भाग सकता है या वो फेंट हो सकता है, ऐसे मतलब कुछ सिवियर बॉडीली रिएक्शन आ सकता है। जो एंग्शियस होगा अबाउट गोइंग टू, मतलब आप उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उसको भीड़ भड़ाके की जगह में लेके, उसे एंग्जाइटी होगी उसके बारे में, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वो कंप्लेन करता रहेगा क्यों ले आए मुझे डर लग रहा है, और वो इन्जॉय नहीं करेगा क्योंकि अगेन वो बहुत बिजी है ये सब सोचने में, वो घबराया हुआ लगेगा भी, लेकिन इस हद तक वो अफेक्टेड नहीं होगा जैसे पैनिक डिसऑर्डर वाला है। पैनिक डिसऑर्डर वाला जो है, जैसे मैंने आपको बताया, सिवियर बॉडी रिएक्शन, वो बेहोश हो सकता है, वो चिल्ला सकता है, वो भाग सकता है, तो अगेन आप देखिए डायमेंशनल या इंटेंसिटी का अंतर है पैनिक फियर और एंग्जाइटी में। तो पैनिक में बता रहे हैं वही सब कॉम्पोनेंट्स है जो फियर में है, बॉडी भी बहुत ओवरड्राइव में है, माइंड में सिर्फ ये है कि मुझे बचना भागना है इस सिचुएशन से, और कुछ उस समय सूझता नहीं है, और बिहेवियर में है कि भागो। लेकिन पैनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर है बियॉन्ड फियर, इसमें पर्सन को बहुत एक बड़ा डर जो बहुत कॉमन होता है, मैं मरने वाला हूँ। तो अगर आप उसे सिचुएशन में ले गए जहाँ बहुत भीड़ है, वो मरेगा नहीं, हमें पता है कोई भी भीड़ में जाके मर नहीं जाता, लेकिन वो ऐसा रिस्पॉन्स उसका यही होता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं खुद अपने वश में नहीं हूँ, अपने काबू में नहीं हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा इस सिचुएशन में, ये भी आता है उसके माइंड में। बिसाइड्स के मुझे डर लग रहा है, मतलब एक्चुअली वो ही है उसके माइंड में कि डर लग रहा है, लेकिन डर की आप इंटेंसिटी देखिए, डर की इंटेंसिटी है एकदम आउट ऑफ प्रपोर्शन कि मैं पागल होने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओवरलैप विथ एंग्जाइटी, एक्चुअल वो सिचुएशन नहीं है, ये रियल सिचुएशन नहीं है, उसकी इमेजिनेशन है जिसमें वो इस हद तक अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये इतना गलत हो जाएगा मेरे साथ। एंग्जाइटी क्या है, जैसे कंपेरेटिवली डिफ्यूज्ड है, उतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती और फ्यूचर ओरिएंटेड है। ओके, तो अब हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट करते हैं, पैनिक डिसऑर्डर में एक्चुअल पर्सन किसी सिचुएशन में है जैसे फियर में होता है, लेकिन उस सिचुएशन का डेंजर उतना नहीं है जितना फियर में होता है, उसका जो माइंड में जिस हद तक का डर है वो फियर जितना ही है, लेकिन उसका जो एस्टिमेट है सिचुएशन का कि वो कितनी बुरी है, वो फियर से जितना नहीं, क्योंकि फियर में रियल में सिचुएशन बहुत बुरी है, पैनिक में रियल में उतनी बुरी नहीं है। और एंग्जाइटी से क्या अंतर है इसका, क्योंकि एंग्जाइटी में भी इमेजिन सिचुएशन है, इसमें भी है, लेकिन एंग्जाइटी से कंपेयर करें तो इसमें रिएक्शन बॉडी का बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एंग्जाइटी। और एंग्जाइटी जैसे बोल रही डिफ्यूज्ड है, उतना हद तक कॉन्सेंट्रेट नहीं है, मतलब
बहुत उतना फोर्स नहीं है विचारों का, उतनी इंटेंसिटी नहीं है विचारों और बॉडीली रिस्पॉन्स की जितना पैनिक में है. तो पैनिक हम हमेशा ऐसे समझते हैं सेम एज फियर विद द ओनली डिफरेंस के रियल डेंजर नहीं, इमेजिन डेंजर है. एंग्जाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम फियर इन टर्म्स ऑफ सिम्टम्स ऑल्सो, प्लस उतना डेंजर नहीं है जितना पर्सन इमेजिन कर रहा है. पैनिक में सिम्टम्स वही है फियर वाले, लेकिन इमेजिन्ड सिचुएशन है पर्सन के आगे. तो अगर आप और इजी करना चाहते हैं, आप एक कंटिन्यूम पे रखिए तीनों को. फर्स्ट आ जाएगा फियर, उसके बाद आ जाएगा पैनिक. तो थोड़ा आगे हम कंटिन्यूम पे जाए तो पैनिक आ जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स वही है फियर के जैसे. तो फियर एंड पैनिक विल बी क्लोज, ओनली विद द डिफरेंस की सिचुएशन इमेजिन्ड है पैनिक में. और फिर एक एंड पे आ जाएगा एंग्जाइटी, जो उतना सिवियर रिएक्शन नहीं है जितना पैनिक में, उतना इंटेंस नहीं, लेकिन है इमेजिन्ड चीज़ों के लिए. तो तीनों में कनेक्शन भी हम देख रहे हैं, लेकिन हम एक क्लियर डिफरेंस भी देख रहे हैं. ओके, सो दैट इज़ अबाउट पैनिक. तो सबसे पहले हम पहला सब टाइप देखेंगे, वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो कि है फोबिया. आप सोचेंगे फोबिया कहाँ से आया? इट इज़, जैसे हमने देखा, ब्रॉड कैटेगरी होती है. ब्रॉड कैटेगरी है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, उसके अंडर एक प्रॉब्लम है विच इज़ नोन एज फोबिया. इट्स अ टाइप ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो जब आपका पेशेंट आपके पास आया, आपने देखा उसके पास वो जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं, जो अपने अनुभव डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सब एंग्जाइटी रिलेटेड है. अब आप जानने की कोशिश करेंगे कौन सी तरह की एंग्जाइटी प्रॉब्लम है इसे. तो एक उस जो संभावना है कि उससे फोबिया है. फोबिया हम में से ज़्यादातर ने सुना होता है. हम काफ़ी बार लूजली इस टर्म को यूज़ भी करते हैं. हम कहते हैं मुझे इस चीज़ का फोबिया है, उसका है. तो फोबिया का आइडिया हम सभी को है कि ये क्या है. अब हम ऑफिशियली देखेंगे इसकी क्या डेफिनेशन है. और यहाँ पे जैसे बता रहे क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स मतलब एक क्लिनिक में डायग्नोस होने के लिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से वो कौन से फीचर्स हैं जो किसी डिसऑर्डर को फोबिया बना देते हैं. तो फोबिया का मतलब क्या है क्लिनिकली? पर्सिस्टेंट एंड डिसप्रोपोर्शनेट फियर. पर्सिस्टेंट मतलब लगातार, जो लगा रहता है, हटता नहीं है. और डिसप्रोपोर्शनेट, ज़रूरत से ज़्यादा, खतरे से ज़्यादा. जितना खतरा वास्तविकता में है, रियलिटी में है, उससे कई ज़्यादा पर्सन इमेजिन कर रहा है अपने माइंड में. तो अगेन एंग्जाइटी का वो फीचर आप इसमें देख सकते हैं. ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एक किसी पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट का, मतलब लिटरली एक चीज़ का नहीं, बट उस प्रकार की चीज़ों का. जैसे कि हो गया, किसी को डर है गन का. तो गन का मतलब ये पर्टिकुलर गन का नहीं, हर तरह की गन का उसको डर है. तो किसी पर्टिकुलर चीज़ का या किसी पर्टिकुलर परिस्थिति का रियल में उतनी डेंजरस नहीं है जितना उसके माइंड में है. तो उसे हम कहते हैं फोबिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ फोबिया. पर्सिस्टेंट डिसप्रोपोर्शनेट फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन बहुत ज़रूरी है टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर डिसऑर्डर्स जो हम आगे देखेंगे. क्योंकि ऐसे भी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इंसान को ज़्यादातर हर चीज़, हर परिस्थिति से घबराहट होती है या चिंता होती है. यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या परिस्थिति की चिंता उससे लगी रहती है. तो इसे हम कहते हैं फोबिया. DSM-5 में तीन तरह के फोबिया आइडेंटिफाई किए गए हैं. ये सब हम डिटेल में देखेंगे. अगले पैराग्राफ में भी जो दिया गया है हम आगे डिटेल में देखेंगे. स्पेसिफिक फोबिया, स्पेसिफिक हम नाम से ही समझ सकते, किसी एक तरह की चीज़ या एक तरह की सिचुएशन का डर. सोशल फोबिया, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में, लोगों के साथ व्यवहार में आने से डर. और अगोराफोबिया, अगोराफोबिया ओपन और क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ का जो डर है. इन तीनों को एक स्पेशल स्थान मिला है DSM में. बाकी जो है, जैसे आप कहिए स्पेसिफिकली किसी को कॉकरोच का डर है, कुत्ते का डर है, स्टॉर्म में फंसने का डर है, ऊंचाइयों का डर है, वो सब स्पेसिफिक के अंडर आ जाएगा. वो सबको हम एक क्लास में डाल देंगे या एक कैटेगरी में डाल देंगे जो कि है स्पेसिफिक फोबिया. लेकिन ये तीन तरह के विद इन फोबिया, इन्हें तीन को अलग किया गया है. क्यों किया गया है हम आगे देखेंगे. सबसे पहले बात करें स्पेसिफिक फोबिया की. जैसे मैंने आपको बताया, डिटेल्स में आगे देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हम थोड़ा रफ आइडिया लेंगे व्हाट आर स्पेसिफिक फोबियाज. किसी पर्टिकुलर चीज़ या किसी पर्टिकुलर
सिचुएशन का जो डर है उसे हम कहेंगे फोबिया। डर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है अगेन फियर, लेकिन एक्चुअली हम फियर की बात नहीं कर रहे, हम एंग्जाइटी की ही बात कर रहे हैं जो हमने शुरू में देखा था। यहाँ पे वर्ड दिया गया है डर, तो मैं भी डर कह रही हूँ, फियर कह रही हूँ, लेकिन बात एंग्जाइटी की है, क्योंकि एक्चुअली पहले डेफिनेशन में ही बता दिया कि एक्चुअल डेंजर नहीं है पर्सन, तो इससे सही तरीके से हम डर नहीं समझ सकते। वो पर्सन के माइंड में डर है, वो तो हर केस में उसे लगता है कि वो डरा हुआ है, लेकिन हम एज अ साइकोलॉजिस्ट समझ सकते हैं कि वो एंग्जाइटी में है। ठीक है, तो स्पेसिफिक फोबिया, तो पर्सन को किस चीज़ की एंग्जाइटी है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की या पर्टिकुलर तरह की स्थिति की। काफ़ी सारी एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वापस आएंगे, इसलिए मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ। ये वही है, स्पेसिफिक फोबिया वही है जो हमने जनरल डेफिनेशन जो अभी अभी देखा फोबिया का, जो हमने समझा ये वही है। एक्चुअली DSM वालों ने अंतर करने की कोशिश की बिटवीन सोशल अगोरा एंड स्पेसिफिक फोबिया, इसलिए आप सोचेंगे क्यों वापस ये क्यों दिया गया है स्पेसिफिक फोबिया जो शुरुआत के ही डेफिनेशन में था। टू डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम दोज टू, उन्हें लगा वो टू कैटेगरीज में भी बहुत लोग डायग्नोज हो रहे, तो वो उन्हें अलग कर देना चाहते थे। इसलिए यहाँ पे आपको क्लियरली बता रहे कि ये अंतर है इसमें और बाकी दो तरह में। तो एक है सोशल फोबिया, सोशल फोबिया है दूसरों के साथ जब हम व्यवहार में आते हैं तब अगर हम बहुत एंशियस हो जाते हैं तो उसे हम सोशल फोबिया कहते हैं। सोशल फोबिया एक तो जब हम दूसरों के साथ व्यवहार में आगे लाइक एनी एंग्जाइटी, हम हमेशा वो डेफिनेशन जो हम जनरल देखते हैं माइंड में रखें, उस एंटिसिपेशन में कि मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी, मुझे किसी के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, मुझे किसी के साथ बाहर जाना पड़ेगा, उसके एंटिसिपेशन में पहले ही हम एंग्शियस हो जाते हैं, तो वो हम देखेंगे सोशल फोबिया में। और ये भी काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, सोशल फोबिया हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन जनरली यहाँ पे भी बता रहे पर्सन को किस बात का डर है। पर्सन को डर है कि दूसरे उसे जज करेंगे, कि दूसरे उसके बारे में गलत सलत सोचेंगे, तो वो सारा टाइम जब सोचता है कि मुझे किसी से मिलना है तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाता है कि मैं कैसे अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोच पाता। और अगोरा फोबिया है क्राउडेड प्लेसेस में, भीड़ कहाँ मिलेगी, ओपन जगह, जहाँ बहुत ज़्यादा ओपन मार्केट प्लेस होगा, थिएटर हो गया, मॉल हो गया, ऐसे जगह से जाने को लोगों को डर लगता है। क्यों लगता होगा, उन्हें लगता है कि वहाँ पे वो ऐसे रिस्पॉन्स देंगे जो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएंगे, मतलब वो उनका डर लोगों को दिख जाएगा और लोग उनके ऊपर हंसेंगे, उनका मजाक बन जाएगा, उनकी शेमिंग होगी, इस बात का उनको डर लगता है। ये भी हमें और केयरफुली समझना है जो हम आगे समझेंगे कि एग्जैक्टली पर्सन के साथ क्या होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पेसिफिक फोबिया के साथ। स्पेसिफिक फोबिया जो है, पर्सन को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन का बहुत डर रहता है, ये जो वो रिस्पॉन्स देता है वो सिमिलर होता है पैनिक अटैक का। यानी कि सपोजिंग एग्जांपल ले लेते, किसी को स्नेक्स का फोबिया है, पर्टिकुलर चीज़ क्या है जिसका उसे फोबिया, स्नेक्स है, तो स्पेसिफिक फोबिया में वो डायग्नोस हो जाएगा। अब जब भी वो स्नेक्स के बारे में सुनता है या टीवी में ही देखता है या फोटो ही देख लेता है, तभी उसका वो एंग्शियस रिस्पॉन्स आएगा। एंग्शियस रिस्पॉन्स आएगा मतलब वो जो पूरा हमने डायग्राम में देखा, उसके विचार कैसे हो जाएंगे, उसकी बॉडी जो है कैसी, व्यवहार जो है कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली सोचिए उसके सामने स्नेक आ गया, सिर्फ जिक्र नहीं करे, एक्चुअली उसके सामने वो चीज़ आ गई, तब वो वहाँ से पैनिक वाला रिस्पॉन्स देगा, मतलब तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। यानी कि स्नेक के जिक्र पे या उससे रिलेटेड किसी भी बात पे वो एंशियस रिस्पॉन्स देगा, लेकिन अगर स्नेक उसके सामने आ गया, उसे उस सिचुएशन में जाना पड़ा, तब पैनिक। पैनिक हमने देखा शुरुआत में क्या है, वही रिस्पॉन्स जो हम फियर को देते हैं। अब जो है स्नेक जो है, यहाँ पे मैं जो स्नेक की बात कर रही हूँ वो फियर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप अज्यूम कीजिए वो स्नेक उसके इतने पास नहीं है कि उसे काट ले। सपोजिंग स्नेक उसके सामने है लेकिन कैद है, या बहुत दूर है उससे, या कोई स्नेक का एक्सपर्ट साथ में बैठा हुआ है जो कंट्रोल करेगा, या उसे पता भी है कि स्नेक के अंदर का पॉइजन जहर हटा दिया गया है, तो भी वो ऐसा रिस्पॉन्स देगा जैसे फेंटिंग, भागना, जो पैनिक वाला रिस्पॉन्स है, डर वाला है, वो रिस्पॉन्स देगा। तो लेकिन आप फिर सोचेंगे पैनिक डिसऑर्डर क्यों नहीं है, या इसे पैनिक अटैक के अंदर ही क्यों नहीं। पैनिक में हमने देखा रियल डेंजर नहीं होता सामने, यहाँ पे भी रियल डेंजर नहीं सामने, लेकिन वो ट्रिगर है।
ट्रिगर है, मतलब वो चीज़ जिससे वो डरता है वो तो सामने है ना, तो ये अंतर है। और जब हम पैनिक डिसऑर्डर देखेंगे हम और क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या है। ओके, तो जब नॉर्मली पर्सन एंग्शियस रिस्पॉन्स देगा, जब वाकई वो परिस्थिति उसके सामने या वो चीज़ उसके सामने आएगी तो वो पैनिक रिस्पॉन्स देगा। ये फीचर है स्पेसिफिक फोबिया का। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी फीचर है, पर्सन किसी भी हद तक जाएगा उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, कुछ लोगों को लिफ्ट का, एलिवेटर का डर होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है उन्हें, टाइट जगह में, बंद जगह में, और वो घबरा जाते हैं, इसलिए वो उसमें नहीं जाएंगे, उन्हें पैनिक हो जाता है। और उनसे आप बात भी कीजिए क्लोज स्पेसेस के बारे में, आप देखेंगे उनके अंदर वो एंग्शियस रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो एलिवेटर वो यूज़ नहीं कर सकते, आपने सुना होगा ऐसे लोगों के बारे में, या तो लिफ्ट नहीं यूज़ कर पाते, या तो लोग होते जो ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाते, फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर पाते, ऐसे लोग होते उन्हें उन चीज़ों का डर होता है, ट्रेन का या फ्लाइट का। अब पर्सन क्या करेगा, बहुत हद तक जाएगा उसे अवॉइड करने। अब स्नेक जैसी चीज़ है, टाइगर लायन जैसी चीज़ है, वो हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है उनके सामने आने की। लेकिन एलिवेटर आज की डेट में, जब ज़्यादातर के आपके बिजनेस सेंटर्स और आपके हाउसिंग सोसाइटीज टावर्स बने हुए हैं, क्या आप चढ़ पाएंगे उतने माला? आपको एलिवेटर यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अगर पर्सन को अवॉइड करना है तो वो क्या करेगा, वो नीचे के फ्लोर पे जगह खरीदेगा। मतलब किस हद तक पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा सिर्फ इसलिए कि उससे वो जिस बात का डर है उस सिचुएशन में उसे जाना ना पड़े, और कितनी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी इसकी वजह से, आप सोचिए। नीचे के फ्लोर में रहना, वो काम को ठुकरा देना जिसके लिए ऊपर तक जाना पड़ेगा, कई और जॉब लेना जहाँ नीचे के लेवल पे ही रहना पड़े, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। तो बहुत ज़रूरी है कि इस फोबिया से डील किया जाए। या पर्सन को ट्रैवलिंग से फोबिया है तो वो ऐसी जॉब लेगा जिसमें ट्रैवल ना करना पड़े, बहुत कम जॉब है ऐसी, तो कितने ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटीज़ उसकी लाइफ से चली जाएगी प्रोग्रेस करने के लिए। तो फोबिया से डील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब इस तरह के फोबिया होते हैं जो अनअवॉइडेबल है, लेकिन पर्सन को अवॉइड करना ही है क्योंकि उससे फोबिया है। ओके, इसके अलावा जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है किसी भी फोबिया को, पर्सन को पता होता है, जैसे OCD में भी हम देखेंगे, पर्सन को पता होता है कि उसका डर जो है वो इरेशनल है, वो जो डर रहा है वो रियलिस्टिक नहीं है, वो ज़्यादा ही सोच रहा है और बिना मतलब के डर रहा है, उतना खतरा नहीं है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, अगर वो समझता, वो समझता है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो समझता है लेकिन वो अपने आप को, अपने रिएक्शन को काबू में नहीं ला पाता, ये है। तो उसे समझ होती है कि उसे प्रॉब्लम है। अब DSM-5 में है जो 5 तरह के स्पेसिफिक फोबियाज बताए गए हैं जो हमें समझने, जो शुरुआत में भी थे मैंने आपको बताया, यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं। सबसे पहला है एनिमल टाइप ऑफ फोबिया। तो स्पेसिफिक फोबिया के अंडर भी हम क्लासिफाई कर देते टू अंडरस्टैंड बेटर। एनिमल फोबिया है किसी भी जानवर का फोबिया होना, तो डॉग, कैट, स्पाइडर, कोई भी आप गूगल कर लीजिए। जनरली आप फोबिया गूगल करें, हज़ारों तरह के फोबिया है, एनिमल फोबिया तो हर प्रकार के एनिमल का फोबिया होता है। अब क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन होता है, हर प्रकार के एनिमल का फोबिया होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट टाइप का फोबिया जो होता है वो है नैसर्गिक वातावरण जो है, जो निसर्ग की चीज़ें हैं, प्रकृति की चीज़ें हैं, उससे पर्सन को डर होता है। जैसे यहाँ पे दिया है स्टॉर्म्स, हाइट्स, पानी के डर होता है, ये सब होता है पर्सन को। तो ये सब जो है कॉमन टाइप के, इसलिए स्पेसिफाई किए गए हैं। एक और ऐसा है ब्लड इंजेक्शन इंजरी, इंसान को रक्तपात इंजेक्शन, जो भी रक्तपात से, बॉडीली प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, ऐसी चीज़ों का डर होता है। मेडिकल प्रोसीजर, उसको बोलो डायग्नोस्टिक सेंटर जाओ, अपना कोई स्कैन करवाओ, वो डर जाएगा, CT स्कैन एक्सरे करवाने से, हॉस्पिटल से डरेगा। तो इस तरह की चीज़ों का जिसमें बीमारी, रक्तपात, ये सब जुड़ा हुआ है, उससे उसे डर लगता है। सिचुएशन का फोबिया, परिस्थिति का, अगेन हर परिस्थिति का डर होता है, ट्रैवल करने का, एलिवेटर में जाने का, फ्लाइट में, एरोप्लेन में जाने का, एनक्लोज्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया, ऐसी परिस्थितियों का। लेकिन इसमें सोशल फोबिया अलग किया गया, इसलिए सोशल सिचुएशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और फिर जो इन चारों टाइप में नहीं बैठते, जो बहुत ही कॉमन है, उसे एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है जो कि है अदर टाइप ऑफ फोबिया। तो इसमें लिटरली एनीथिंग जो इसमें नहीं आ, बाकियों में नहीं आता, वो इधर डाल दिया जाएगा। तेज़ आवाज़ का डर होना, क्लाउन जोकरों से डरना,
और बलून फूट जाए उससे डरना, वॉमिटिंग हो जाएगी मुझे कुछ खाने के बाद उससे डरना। तो हर तरह की चीज़ से, हर तरह की घटना परिस्थिति से लोगों को डर हो सकता है। तो जो भी वो 4 कैटेगरीज में नहीं है वो यहाँ पे डाल दी जाएगी। अब अगला जो आ जाता है कोमॉर्बिडिटी। हम अब जो भी स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के यूनिट्स देखेंगे उनमें कोमॉर्बिडिटी नाम आप ज़रूर देखेंगे। सारे टर्म्स ये क्लिनिकल लैंग्वेज है, आप समझ लीजिए तभी आप यूनिट्स को ठीक से समझ पाएंगे। कोमॉर्बिडिटी मतलब 2-3 मानसिक बीमारियां जो साथ में पाई जाती है जनरली, यानी कि पर्सन को ये वाली मानसिक बीमारी है तो बहुत हाई चांसेस है कि उससे दूसरी वाली भी होगी। तो फोबिया के साथ ऐसी कौन सी बीमारियां है तो कि जो इंसान को फोबिया होता है ज़्यादा करके उसको ये वाली बीमारी भी होती है। अदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो सब हम आगे देखें। पैनिक डिसऑर्डर ज़्यादातर के फोबिया जिससे होता है उससे एक ना एक और टाइप का एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है, तो ये अभी हम नहीं समझ पाएंगे, हम आगे समझेंगे यूनिट में। दूसरा है प्रेवलेंस, एज ऑफ ऑनसेट, ये टर्म्स भी आप समझ लीजिए। जिससे पहला टर्म है लाइफ टाइम प्रेवलेंस, यहाँ पे आपको आइडिया दे रहे रियल में कितने लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स होती है। आपको पता होना चाहिए एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि कौन से जेंडर में कौन सी बीमारी के रेट ज़्यादा है, कौन सी एज में कोई बीमारी शुरू होती है, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट में हेल्प होगी ना ये सब करके और डायग्नोसिस में भी। तो लाइफ टाइम प्रेवलेंस ये आप कई जगह देंगे। लाइफ टाइम प्रेवलेंस का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में, अपनी जीवन काल में कभी ना कभी ये वाला डिसऑर्डर है डायग्नोस हुआ है, ये पहचाना गया है कि ये डिसऑर्डर से सफ़र किया ऑफिशियली, क्लिनिशियन ने बताया हाँ इससे ये डिसऑर्डर है, ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं पॉपुलेशन में जिन्हें इस तरह का डायग्नोसिस मिला है। तो यहाँ पे इस यूनिट में सवाल है जो हम अभी स्टडी करें, कितने परसेंटेज लोग हैं पॉपुलेशन में जिन्हें कभी ना कभी जीवन काल में फोबिया का डायग्नोसिस मिला है। 12% है, 12% कहा है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में देखें तो 12% लोग, करोड़ों में आबादी है, इंडिया में कितनी आबादी है 200 करोड़ अबाउट, दुनिया की कितनी आबादी होगी कितने करोड़, उसमें से 12% 12% यानी कि करोड़ों लोगों को दुनिया में एंग्जाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस हुआ है। ओके, ये 2005 में स्टडी हुई थी उसमें पहचाना गया। इंडिया में, भारत में 4.2% है, कम है, वर्ल्ड से कंपेयर करें तो कम है। आप कभी कभी देखते होंगे वो चार्ट्स जो इसमें कंट्री के हिसाब से बार डायग्राम या पाई चार्ट होता है, तो इंडिया का जो है कम है फोबिया का रेट। क्यों होगा आप सोचिए, ज़रूरी नहीं है कि फोबिया इंडिया में कम है, फोबिया की डायग्नोसिस इंडिया में कम है, क्योंकि बहुत से लोग हैं इंडिया में जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ही नहीं। स्टिग्मा होता है, सोसाइटी में लोग मजाक बनाएंगे या वो किसी ओझा तांत्रिक के पास जाना पसंद करेंगे, तो इसलिए हो सकता है सिर्फ 4.2% अबाउट 4% लोगों को ही ये डायग्नोसिस मिला है। या हो सकता है कि वाकई इसके रेट्स कम है इंडिया में। क्यों, आप सोचिए कि इंडिया में लोगों को इतना फोबिया क्यों नहीं होता होगा, मेरे हिसाब से डायग्नोसिस कम है। दूसरी बात है, एक बात हम जान लें, फोबिया जिन्हें होता है वो कंपेयर टू अदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो हम आगे देखेंगे, दे आर लेस लाइकली टू सीक ट्रीटमेंट, ये लोग इतना आसानी से ट्रीटमेंट लेने के लिए कोशिश नहीं करेंगे कंपेयर टू अदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। क्यों, क्योंकि काफ़ी फोबियाज ऐसे जो आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट? आपको अगर स्नेक का फोबिया है आप स्नेक से दूर रहे, आपको अगर हाइट्स का फोबिया है तो आप बहुत ऊंची मंजिल पे ना जाए। हाइट्स का मतलब मैं एलिवेटर की बात नहीं कर रही हूँ, ऊंची मंजिल पर खड़े होकर नीचे देखने में आपको डर लगता है वैसा, तो आप हाइट्स पे ना जाए, ट्रैकिंग ना जाए, जो भी हाइट रिलेटेड है वो कुछ भी ना करें आप चाहे आप खुद बहुत ऊंचे फ्लोर मंजिल पे रहते होंगे लेकिन आप बालकनी से नीचे नहीं देखेंगे कभी अगर आपको डिजी फीलिंग आती है। तो फोबिया जो कि लोग तरीके ढूंढ लेते हैं अवॉइड करने के, बचने के उनसे, तो फिर वो बचते रहते हैं रादर देन गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड सीकिंग ट्रीटमेंट। अब ये अच्छी बात है या नहीं ये आप सोचिए। तो कौन से लोग जाएंगे साइकोलॉजिस्ट के पास जिनकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है फोबिया की वजह से, तो जो एलिवेटर यूज़ नहीं कर पा रहे, जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे,
जो सपोजिंग ऐसी चीज़ें या ऐसी परिस्थितियों का डर है जो बहुत फ्रीक्वेंटली उनके सामने, तो कुत्तों का डर है या सोशल फोबिया है जो हम आगे देखेंगे, बट ये फ़िलहाल स्पेसिफिक फोबिया की बात आ रही है। तो ऐसे लोग आएंगे डायग्नोसिस में जिनकी लाइफ मुश्किल हो रही है, वरना लोग सोचते क्यों जाना है साइकोलॉजिस्ट के, तो इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं आएंगे फोबिया वाले। तो जो भी ये प्रेवलेंस रेट है, इसके साथ ही ये बता रहे हैं कि आप समझ लीजिए ये प्रेवलेंस रेट है, इतने डायग्नोसिस हुए हैं, लेकिन रियल लाइफ में इससे कई ज़्यादा लोग सफ़र करें जो कभी साइकोलॉजिस्ट के पास आए ही नहीं। फोबिया जो है अलग अलग कल्चर्स में के अनुसार भी पाया जाता है, मतलब कुछ कल्चर्स में कोई तरह का फोबिया ज़्यादा पाया जाएगा। जैसे कि चाइनीज़ कल्चर है, चाइनीज़ कल्चर में पेलांग नाम का एक फोबिया पाया जाता है, उसे वो मतलब हम समझते हैं सब फोबिया, उनके नाम में उनके कल्चर में एक कंडीशन है जिसका नाम है पेलांग, उसका मतलब होता है कोल्ड से डरना। अब क्यों चाइनीज़ लोगों को ही ज़्यादा फियर ऑफ द कोल्ड होता है, क्योंकि उनके कल्चर में ऐसी मान्यता है कि अगर बॉडी से हीट निकल जाए तो पर्सन मर सकता है। तो बहुत जल्दी उन्हें लगता होगा अगर बॉडी कोल्ड पड़ जाए, बाहर कोल्ड हो जाए, बॉडी कोल्ड हो जाए उसकी वजह से तो मर जाएंगे। तो कल्चर में कुछ ऐसी मान्यताएं हो सकती है जिसकी वजह से उस कल्चर में वो तरह के फोबिया ज़्यादा पाए जाएंगे। इंडिया में सपोजिंग किसी को फोबिया है कि बुरी आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी, ईश्वर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, ऐसी टाइप की फोबियाज है क्योंकि हमारा रिलीजियस माइंडसेट है। इंडिया में लड़कियों को जैसे पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन, उसका भी फोबिया हो सकता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन को गंदा माना जाता है, रिलीजियसली कंडेम किया जाता है। तो जो कल्चर में जैसी मान्यता है उसकी वजह से कोई ना कोई फोबिया खड़ा हो सकता है। DSM-5 जो हमने देखा था शुरू के चैप्टर में कि कल्चरल बातों को अकाउंट करता है, वो समझ है उसमें, चैप्टर्स में लिखा हुआ है कि कौन से कल्चर में क्या होता है। तो डायग्नोसिस करते वक्त हम ध्यान देंगे कि हमें ये डायग्नोस करना है या इसे कल्चरल फिनोमिनन समझ के हमें जाने देना है, दैट डिसीजन विल बी टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ DSM। अभी जैसे अगर किसी को पेलांग नाम का कंडीशन है, वी विल टेक इट टू बी अ फोबिया, क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो हम रिकोगनाइज़ करेंगे क्यों है, कल्चर की वजह से। तो जब हम कॉजेज समझने जाएंगे एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हम इस बात को नोट करेंगे, लेकिन हम ये भी समझेंगे कि इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इस ऐसी अवेयरनेस हम में होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि कौन से कल्चर के हिसाब से कौन से फोबिया होते हैं। अब एज की बात करते हैं कि फोबिया शुरू कब होते हैं। अलग अलग तरह के फोबियाज अलग अलग एज में शुरू होते हैं, इसलिए भी अंतर किया जाता है फोबियाज के बीच में, क्योंकि एज ऑफ ऑनसेट अलग है, प्रेवलेंस अलग है, जेंडर रेशियो अलग है। तो एज ऑफ ऑनसेट जो है, एनिमल फोबिया, ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबिया चाइल्डहुड से ही पाए जाते हैं। इसका रिलेशन है एवोल्यूशन के साथ, जिसकी बात हम कॉजेज़ के सेक्शन में करेंगे। एनिमल, ब्लड इंजेक्शन, ये वो एवोल्यूशन से हमारे पूर्वजों से हमें ऐसे मिले हुए हैं फोबियाज। इसके अलावा हाइट फोबिया जो है जनरली टीनेज में पाया जाता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का और ड्राइविंग का फोबिया, टीनेज या अर्ली एडल्टहुड में। क्यों, आप ही सोचिए, ड्राइविंग आप करेंगे कब, शुरू कब करेंगे, या तो टीनेज में या एडल्टहुड में, राइट? आप सीखना शुरू करेंगे और लाइसेंस तो आपको एडल्टहुड में मिलेगा, तो बच्चों में ये डर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो करते ही नहीं है। हाइट भी बच्चों में, क्योंकि कोई ना कोई पेरेंट साथ में रहता है जो देखता रहता है कि बच्चा जो है कहीं से लटके नहीं, कहीं से नीचे ना देखे, तो नहीं होगा बच्चों में। इसके अलावा अगर जेंडर की बात करें कि पुरुषों में ज़्यादा होंगे स्पेसिफिक फोबिया या स्त्रियों में, तो उसमें पाया जाता है कि कुछ ऐसे हैं जो स्त्रियों में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि स्पाइडर्स का डर, स्टॉर्म्स का डर। ये क्यों होता है, एवोल्यूशन बेस्ड भी हो सकता है। फीमेल जो है उनका हॉर्मोन्स बायोलॉजिकल कैसे चलते हैं, वो सब हम कॉजेज में देखेंगे। तो फीमेल्स में कुछ तरह के फोबिया ज़्यादा है। ब्लड फोबिया की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, मेल्स में भी उतना ही पाया जाता है जितना फीमेल्स में। लाइफ टाइम प्रेवलेंस फिर से बात करें कि कितने लोग हैं जिनके जीवन काल में उन्हें डायग्नोसिस हुआ है फोबिया, तो मेल्स में अबाउट 7% है ओवरऑल सारे स्पेसिफिक फोबियाज को मिला के, और फीमेल्स में 16% है, यानी कि ओवरऑल फीमेल्स में ज़्यादा डायग्नोसिस होते हैं और फोबिया। ओके, तो ये फीमेल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये आप ध्यान में रखें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिन लोगों को फोबिया होता है, हम उनकी पहचान करते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा उनमें कॉमनली। सबसे पहले जैसे हमने पहले देखा, उन्हें पता होता है कि उनका डर जो है एक्चुअल खतरे से ज़्यादा है,
ये उन्हें रियलाइजेशन होता है, उन्हें पता है उनकी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी बात है, फिर भी वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ये जानते हुए भी, अपनी प्रॉब्लम को समझते हुए भी, जब वो उस सिचुएशन में जाते हैं जिसका उन्हें डर है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी उन्हें हो जाती, इतनी टेंशन उनके अंदर आ जाती है कि वो और कुछ नहीं सोच पाते। तब उस सिचुएशन में वो नहीं सोच पाते कि मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरा डर बेबुनियाद है, ये सब विचार तब नहीं आते। तब उनको बस जो हमने देखा था कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव विचार, मेरा क्या होगा, मैं कैसे डील करूँगा, मुझसे ये सब बर्दाश्त होता, ऐसे विचार आते हैं जो उन्हें रैशनल विचार नहीं आने देते। वो इमोशंस में बह जाते हैं उस समय, और उनकी बॉडी भी ऐसी हो जाती है, हमने देखा कि ऑलमोस्ट फाइट ऑफ फ्लाइट पे पहुंच जाती है। तो बॉडी की वजह से भी उनकी घबराहट बढ़ती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। तो ओवरऑल उनकी जो है हालत ख़राब हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। दूसरी बात है जो अवॉइडेंस वाला है, मैंने आपको बोला था सोचिए अवॉइडेंस करना अच्छा है या नहीं। अवॉइडेंस जो है रीइंफोर्सिंग हो जाता है। अगर मुझे डर लगता है, सपोजिंग मुझे एज अ चाइल्ड मुझे डर लगता था कभी भी क्लास के सामने बात करने से, तो प्रेजेंटेशन देना, कोई प्रेयर रीड करना, कुछ भी जो बच्चों का काम है क्लास के सामने आके, मुझे डर लगता था। तो मैं कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी ऐसी चीज़ों में, मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये रीइंफोर्सिंग हो जाती है। रीइंफोर्सिंग का क्या मतलब है, मैं बच जाती हूँ सिचुएशन से तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे जब मैं उनके सामने बात करूँगी। तो जब मैं बात नहीं करती हूँ और मुझे वो सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ता, तो मेरे लिए जैसे रिवॉर्ड हो गया कि हाँ मैं बच गई ये सिचुएशन से। ये बचना, ये जो रिलीफ की फीलिंग है, राहत है, ये अपने आप में रीइंफोर्सिंग है। ये जो है हमारी कंडीशन को कंटिन्यू करती है, उसे मेंटेन रखती है। आपको किसी भी चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है तो आप ज़्यादा ज़्यादा करते हैं ना उसको। सपोजिंग आपका मार्क्स अच्छा है, मैं आपको चॉकलेट दूँ तो आप और अच्छा करेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर मैं आपको आपको लगेगा आपको फिर चॉकलेट मिलेगी, आपको फिर तारीफ मिलेगी। तो जिस चीज़ के लिए हमें अप्रिसिएशन मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तो हम बार बार करते हैं। तो अगर मैं एक बार पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ ताकि मुझे लोगों का सामना नहीं करना पड़े, तो मैं नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अनुभव मेरे लिए रिवॉर्डिंग है। इसलिए कहते हैं किसी चीज़ का आपको डर है, भय है, एंग्जाइटी है, उसका सामना कीजिए, उससे बचिए मत, क्योंकि आदत पड़ जाएगी फिर बचने की, क्योंकि वो रिवॉर्ड है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो जो लोग जिन्हें फोबिया होता है, हम याद रखें उनकी मेंटेन हो रहा है क्योंकि वो रीइंफोर्स फील कर रहे हैं, उन्हें रिवॉर्ड फील हो रहा है हर टाइम जब वो बचते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा ट्रीटमेंट में। अगला है, कभी कभी सिर्फ रीइंफोर्समेंट, डायरेक्ट जो रीइंफोर्समेंट है उसकी वजह से नहीं, सेकेंडरी गेन्स की वजह से भी हम उस बिहेवियर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा डर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सिचुएशन में, टीचर देख रही है कि ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करता और वो समझ रही है क्योंकि ये बच्चा डर रहा है सबके सामने आने से। अब उसको इनकरेज करने के लिए, नहीं तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, कभी कभी ज़बरदस्ती भी डालना पड़ता है बच्चे को सबके आगे कि नहीं तुमको बोलना है सबके सामने, उसके बदले अगर टीचर दया दिखाए, अरे बेचारी कोई बात नहीं डर जाती है जाने दो, इसको मत फोर्स करो, इसको मत सबके सामने लेके आओ, ये भी रीइंफोर्सिंग है, ये भी रिवॉर्ड है, क्योंकि बच्चे को अच्छा लगता है, उसको प्यार मिल रहा है, उसको दया मिल रही है, उसको सहानुभूति मिल रही है, बच्चे को अच्छा लगता है और चांसेस के वो आगे पार्टिसिपेट करेगा कम हो जाते हैं। तो इस तरह से भी मेंटेन हो सकता है फोबिया। या अगर किसी को एक अदर एग्जांपल ले, उसको क्राउडेड जगह में जाने का डर है, वो नहीं जाता तो उसको डायरेक्टली भी वो खुश रहता है क्योंकि उसको सामना नहीं करना पड़ता भीड़ का, और साथ में जब बाकी जो लोग घर के वो बोलते बेचारी कभी भीड़ की जगह में नहीं जा पाती, अकेली रह जाती है घर में, हम जाके इंजॉय करते, ये इंजॉय नहीं कर पाती, तो वो सहानुभूति भी उसको अच्छी लगती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी के साथ एम्पथी ना रखें, हम किसी को समझे नहीं, लेकिन दया भाव अच्छी नहीं है, सहानुभूति अच्छी नहीं है, हम समझें कि उसे तकलीफ़ है, लेकिन इंकरेज करें कि वो जिस बात से डरता है वो उसका सामना करे, ना कि उसकी इनडायरेक्टली अप्रिसिएशन करे या उसको बेचारा करार दे और उसके साथ सहानुभूति रखे, ये अच्छी भावनाएं नहीं है। एम्पथी और सिंपथी में अंतर है, ये हमेशा याद रखें। और लास्ट बात है,
ये जो है सेकेंडरी गेन्स जो है, जो दूसरों के दया भाव की वजह से स्पेशल अटेंशन मिलता है, जैसे बाकी लोग जब भी बाहर जाएंगे वो बोलेंगे अरे काश तुम हमारे साथ आती तो हमें भी बहुत अच्छा लगता। ये जो बातें हैं इंसान को अच्छी लगती है जो नहीं जा पा रहा है उनके साथ, लेकिन उसे रियलाइज़ नहीं होता कि ये सब उसको अच्छा लग रहा है, उतनी समझ उसमें नहीं है। उसको पता है कि उसका एंजाइटी प्रॉब्लम है, ये सब की समझ है, लेकिन इन बातों से उसकी एंजाइटी और मेंटेन हो रही है ये वो रियलाइज़ नहीं करता। वो सोचता है मेरी फैमिली मेम्बर्स मेरे लिए बहुत केयर करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं होती कि उसकी प्रॉब्लम मेंटेन हो रही है ऐसे रिएक्शंस की वजह से। तो ये सब बातें हम ध्यान में रखें, हमारे लिए जानना ज़रूरी है। एक लास्ट छोटा सा सेक्शन यहाँ पे आज हम देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। DSM-5 में कौन से क्राइटेरिया है टू डायग्नोज स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक अभी हम जो भी डिसऑर्डर्स देखेंगे फ्रॉम दिस यूनिट ऑनवर्ड्स, हम DSM में क्या क्राइटेरिया दिए गए हैं टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए इन डिसऑर्डर्स की, वो हम ज़रूर देखेंगे। स्पेसिफिक फोबिया नाम का जो सेक्शन है विद इन द चैप्टर ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इन DSM-5, उसमें ये क्राइटेरिया दिए गए हैं। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आपको एक SCID इंटरव्यू लेना पड़ेगा पेशेंट का, और फिर मैच करना पड़ेगा कि उससे ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं या नहीं। अगर ये सब सिम्टम्स एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहे जहाँ जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप उसे डायग्नोसिस देंगे कि उसे स्पेसिफिक फोबिया है। तो सबसे पहला सिम्टम जो पर्सन को होना चाहिए वो है मार्क्ड क्लियर दिखने वाला परसिस्टेंट फियर। बार बार उससे डर लगता है कि, और डिसप्रपोर्शनेट डर जो हमने डेफिनेशन में देखा, किसी पर्टिकुलर चीज़ का जब वो होती है या उसके बारे में सोच के ही, जब भविष्य में होने वाली है। अब की चीज़ यहाँ पे कि पर्टिकुलर चीज़ का या पर्टिकुलर परिस्थिति का, तो ये डेफिनेशन ही हमारा फर्स्ट क्राइटेरियन है। दूसरा क्राइटेरियन है कि अगर उस पर्सन को उस परिस्थिति में डाल दिया जाए या उस चीज़ उसके सामने ले आई जाए जिसका उससे फोबिया है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रिस्पॉन्स होता है, जो हो सकता है उसके अंदर पैनिक अटैक आ जाए, जो अगेन हमने टेक्स्ट में ऑलरेडी देखा था। तो ये भी DSM में ऑफिशियली एक क्राइटेरियन दिया गया है। बच्चों में हमें ध्यान देना है, बच्चों में जो एंग्जाइटी है, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाते, उनकी इतनी डेवलप नहीं होती, तो बॉडीली हमको बिहेवियरल टाइप का उनमें हमेशा ज़्यादा दिखेगा कुछ, मतलब वो बोल नहीं पाएंगे वो क्या अनुभव करें क्योंकि वो खुद नहीं समझते, तो उनके कुछ व्यवहारों से हम समझ जाएंगे कि उन्हें क्या अनुभव हो रहा है। वो रोएंगे, माँ के साथ चिपक जाएंगे, क्लिंग करेंगे दूसरे वाले के साथ, या फ्रीज हो जाएंगे, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, या टेंट्रम थ्रो करने लगेंगे, मतलब जो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़िद करना और चिल्लाना चीखना। तो अगर हम उन्हें ऐसे सिचुएशन में डाल दें जो उन्हें पसंद नहीं, जैसे बहुत लोगों के सामने, कुछ बच्चे आप देखेंगे लोगों के सामने उन्हें आना पसंद नहीं, ज़्यादा लोग हो जाते तो वो घबरा जाते हैं, तो फिर वो ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे, या तो एकदम फ्रीज हो जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे, आप बोलोगे बच्चे बात करो इनसे, वो बात नहीं करेंगे, या तो वो ऐसे डरना चीखना चिल्लाना भागना वहाँ से, वो ये सब टाइप के बिहेवियर दिखाएंगे। तो बच्चों में हमेशा हमें बिहेवियर ज़्यादा देखने, वो सोच विचार करके हमें बता नहीं पाएंगे कि वो क्या अनुभव कर रहे हैं। सी क्राइटेरियन है कि पर्सन को जो डर है, जो एंग्जाइटी है, वो क्लियरली ज़्यादा है और उसे समझ है, वो पहचानता है। अगर वो नहीं पहचानता है तो एक दूसरा तरह का डिसऑर्डर है जो हम आगे देखेंगे, वो उस कैटेगरी में चला जाएगा, वो स्पेसिफिक फोबिया के लिए नहीं माना जाएगा उसका कंडीशन। बच्चों में ये फीचर नहीं भी हो सकता, बच्चों में क्योंकि अगेन समझ नहीं है तो वो नहीं शायद समझ पाते। जैसे उनसे आप पूछेंगे कि जब ज़्यादा लोग आते तो तुम ऐसे चीखते चिल्लाते क्यों हो, वो नहीं समझते क्योंकि उन्हें डर लग रहा है, वो बोलेंगे पता नहीं। तो डी है कि जब पर्सन को सिचुएशन में डाले, हमें पता है वो बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन ज़्यादातर के वो सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं। देखिए फोबिया में बचना और भागना, अवॉइडेंस एंड एस्केप, दो की फीचर्स है। तो डायग्नोसिस में थ्रू आउट आप इनकी मेंशन देखेंगे, तो अवॉइडेंस बिहेवियर भी हमें दिखना चाहिए। ई क्राइटेरियन है कि जो भी पर्सन का डर है, फोबिया है, वो उसके नॉर्मल रूटीन में इंटरफेयर करता है, जो रोज़मर्रा का काम है वो अफेक्ट होता है, वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाता। अब या तो वो सिचुएशन हो रही है एवरीडे लाइफ में जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा, या तो
उसके एंटिसिपेशन में, उसके बारे में सोच सोच के ही उससे प्रॉब्लम्स आ रही है। अब रोज़मर्रा के काम से क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हो सकता है उसे एलिवेटर्स का डर है, इसलिए उसने जॉब ही ऐसी ली है कॉम्प्रोमाइज़ करके, वो रह भी ऐसी जगह में रहा है जहाँ उसे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ना कर पाए, करना पड़े, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो हम इसे मानेंगे कि उसका नॉर्मल रूटीन में इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे अगर ऐसी सिचुएशन है या ऐसी चीज़ है जो इंटरफेयर नहीं करती, जैसे उसे सांपों का डर है, एनिमल्स का डर है जो जंगलों में है, खुद शहर में रह रहा है, तो क्या हम उसे फोबिया का डायग्नोसिस नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। अगर उसकी नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट नहीं हो रही तो हम नहीं देंगे। इसके अलावा जो पर्सन है, अगर वो 18 साल का एडल्ट है तो एटलीस्ट 6 महीने के लिए ये सिम्टम्स नज़र आने चाहिए। ये आप हर डिसऑर्डर में देखेंगे, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है फॉर डायग्नोसिस। अगर इससे कम कोई दिखा रहा है लक्षण किसी डिसऑर्डर के, 6 मंथ्स नहीं मीट हो रहे, 6 मंथ्स से कम वो दिखा रहा है, इन दैट केस हमें लगता है कि सिचुएशनल है, मतलब कुछ टेम्प्रेरी चेंज आया पर्सन के लाइफ में जिसकी वजह से वो ऐसे सिम्टम्स दिखा रहे हैं, वो फिर से ठीक हो जाएगा, तो हम डायग्नोसिस नहीं देते। डायग्नोसिस तभी देते जब लंबे काल की प्रॉब्लम आ चुकी है पर्सन के लाइफ में। फाइनली ये जो जी क्राइटेरियन है, ये भी आप हर डिसऑर्डर में देखेंगे, अलग अलग जी होगा, ज़रूरी नहीं लेकिन होगा ज़रूर, कि ये जो डिसऑर्डर है, कोई जो सिम्टम्स है पर्सन की, जो लक्षण है, वो कोई और डिसऑर्डर के डायग्नोसिस से बेटर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। जैसे कि पर्सन को अवॉइडेंस दिखा रहा है, एस्केप दिखा रहा है, बहुत टेंशन है, ये सब है, ऐसा तो नहीं है कि उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये हम आगे देखेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है जब पर्सन के सोच और उसके व्यवहार एक ही बात में अटके हुए होते हैं। अगर ये केस है, मतलब ज़्यादा उसमें फिट हो रहे उसके लक्षण, तो ऑब्वियसली ये वाला डायग्नोसिस हम उसे नहीं देंगे, स्पेसिफिक फोबिया वाला। या हो सकता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से उसका ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है, ये भी हम आगे देखेंगे। कोई बहुत दुर्घटना हो गई है, होती है किसी के जीवन में, तो उसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप होता है, तो कहीं वो वाला तो नहीं है इससे। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, प्यार करने वालों से दूर हो जाने का भी एक डिसऑर्डर होता है, डर जो है कि मैं अलग हो जाऊंगा किसी से, उससे तो नहीं एक्सप्लेन हो रहा। सोशल फोबिया जो हम अगला देखेंगे, उससे तो नहीं एक्सप्लेन हो रहा। अगोरा फोबिया विद पैनिक या अगोरा फोबिया विदाउट पैनिक के साथ तो नहीं। मतलब ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं, यर दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल अस दे आर वेरी सिमिलर टू दिस वन, लक्षणों का बहुत ओवरलैप है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, हर डिसऑर्डर के लक्षण क्लियरली अलग नहीं होते, काफ़ी ओवरलैप होता है। तो ये जो मैंशनड है यहाँ पे, ये सारे डिसऑर्डर्स हम देखेंगे आगे, क्योंकि ये फर्स्ट वाला है। ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं बाकी के, इनमें भी काफ़ी सिमिलर लक्षण है, तो हमें मेक श्योर करना है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमें गलती नहीं करनी कि हम एक्चुअली वो वाले डिसऑर्डर हैं मगर हमने डायग्नोसिस ये वाला दे दिया। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। तो जो भी ये क्राइटेरियन जब आता है DSM में, सिमिलर डिसऑर्डर्स नेम कर देते, पॉइंट आउट कर देते, टू मेक अस केयरफुल कि आप वो वाला चेक कर लीजिए कि कहीं वो वाला डिसऑर्डर तो नहीं है। तो DSM का आप क्या करेंगे, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, पेशेंट आपके पास आया है, ये सारे क्राइटेरियन मीट होंगे तो ही आप डायग्नोसिस देंगे, वरना आप नहीं देंगे। जहाँ पे सारे क्राइटेरियन कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे मेंशन होता है दीज आर कंपलसरी, दीज माइट नॉट बी देयर। यहाँ पे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, तो स्पेसिफिक फोबिया के लिए सारे क्राइटेरियन मीट होने चाहिए, वरना आप देखेंगे हो सकता है फुल फ्लेज्ड डिसऑर्डर नहीं है पर्सन को, या कोई और डिसऑर्डर है पर्सन को। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर ताकि आप करेक्ट डायग्नोसिस दे, स्टैंडर्डाइज, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था, हम अपने जो हमें लगता है उसके हिसाब से डायग्नोस नहीं कर सकते। ओके, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे। इन द इंट्रोडक्शन वी सॉ व्हाट इज एंग्जाइटी, इट इज़ एन ओवरऑल इट्स अ साइकोफिजियोलॉजिकल स्टेट दैट अ पर्सन गोज थ्रू इन एंटिसिपेशन ऑफ सम डेंजर और थ्रेट टू हिज लाइफ। इट्स कॉमन एक्सपीरियंस, बट अमंग दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इट इज़ परसिस्टेंट, इट गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन for days and weeks and months, and it is very intense as compared to everyday life, and the person's anxiety does not get over with the end of a situation, it is recurrent or it is continuous. Then we saw what is the difference between fear, anxiety and panic. Fear is a response, a survival response to actual immediate danger. Anxiety is a response to anticipated threat where no real danger is involved and where the possible threat is in future. It is not already occurred or is not occurring as the person is having the experience of anxiety.
And panic is the response of fear, the exact response of fear to an imagined situation or a blown out of proportion situation. Then we saw a specific type of anxiety disorder called phobia. Phobia is the intense and irrational fear, disproportionate fear of some particular object or situation. It has been divided into three categories by the DSM-5, amongst which we saw the first category today, specific phobia, which is same as what we understand to be phobia. The key characteristic of phobia is avoidance and escape behavior. A person tries to avoid as far as possible the object or situation that makes him anxious, and he tries to escape the situation if forced to face the object or situation of his anxiety. There are five types of specific phobias mentioned in the DSM. We saw those. Four of them are very common, and whichever do not meet the four are put into a fifth, other, or miscellaneous type of a category. We saw that phobias are commonly comorbid with many other types of anxiety disorders. In terms of prevalence, they are highly prevalent in the general population. General population meaning those who are not hospitalized or not diagnosed with any other problem. Phobia also, in terms of age of onset, it depends on the type of phobia which is there. Some start from childhood, some begin in adolescence or adulthood, depending on when the person encounters the particular situation. Some phobias, it seems, people are born with because of which they're in childhood, so those have to do with evolution. And then there are gender differences in phobia. Overall, women are more phobic than men, but also we need to consider the specific type of phobia. For different phobias, different types of phobias, there are different gender issues in terms of prevalence. We need to know certain general characteristics of people suffering from phobia to understand the disorder better. People who suffer from phobia, they're generally aware of the irrationality of their behaviors and thoughts, yet they are not able to control the response that they have in anticipation of or when they face that particular object or situation. Their phobia tends to be maintained and reinforced by two things. One is the relief they feel by avoiding that particular situation or object, and the other is the attention and sympathy that they get from other people around them because of their condition. That continues to perpetuate their problem. In terms of DSM criteria for phobia, specific phobia, we saw that there are seven criteria that need to be met by any person whom we suspect of suffering from specific phobia. These include those that we've seen in the definitions, and also the age range and the duration. Everything has been specifically mentioned for us to identify whether the person is suffering. Also, which are the exclusionary criteria, which are the disorders that the person should not be suffering from instead of specific phobia for this particular diagnosis, have been mentioned in the DSM. Okay, next time hum continue karenge with this only, specific phobias. Ab hum causes dekhenge inke और कैसे इनका इलाज किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप रिवाइज करते रहिए जो हमने इस क्लास में देखा है.